Hey everyone, welcome back to Didactics Learnshala. आज हम बात करेंगे CBSE 12th standard के first chapter जो है the last lesson. इस chapter के ऊपर आज हम बात करेंगे और fun के साथ learn करेंगे, आगे बढ़ेंगे. Of course with Didactics Learnshala. तो आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, आप सभी को हम बता दें, जैसे कि हम सब आप सबको हमेशा बोलते आए हैं कि ये जो फ़न के साथ लर्न करने का ये जो सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप सभी के या उन छात्राओं के सुविधाओं के लिए जो जिनके आगे जो है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स बर्डन लगती हैं, जिनको कहीं ना कहीं जाके ऐसा लगता है कि थोपा जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है या बहुत बोरिंग किस्म का है सब्जेक्ट, तो वो बोर्डम हम दूर करना चाहते हैं. फ़न के साथ लर्न करेंगे, बर्डन नहीं समझेंगे. तो ये फ़न के साथ लर्न करने का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए, जारी रखने के लिए, और हाँ, सबके पास सही से पहुंच जाए, जो उन छात्राओं के पास भी पहुंच जाए जो अभी तक अनजान है हमारे इस प्लेटफॉर्म को लेकर, तो इसके लिए जो है आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि जो है हर एक चैप्टर जब भी हम जो है ऐड ऑन कर रहे हैं प्लेलिस्ट में आपके सुविधा में, तो वो उसका जो नोटिफिकेशन सही वक्त पे, सही समय पे जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए. तो बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ेंगे. किसके ऊपर हम आज बात करेंगे? द लास्ट लेसन, यानी CBSE 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर. थोड़ा सा कहानी पे जो है आगे बढ़ने के अंदर, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, कहानी के ऊपर थोड़ी धारणा बन जाएगी. जैसे कि अगर मान के चलो कभी आपके साथ ये हुआ कि आप ना किसी कारण से, हालांकि हम लोग सभी जो है अपने स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत ज़्यादा जो है कोशिश है तो यही होती है कि अपने पसंद के सब्जेक्ट्स मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रीज़न हो सकते हैं, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई जानबूझ के तो नहीं करता है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके ऊपर ना कोई सिचुएशन ऐसे आ जाए और जो है आपको कहा जाए, मानो आपको जो है फ्रेंच लेना था और आपको किसी कारण से वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाए, आपको जो है आपके ऊपर थोप आ गया. कभी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि आपने ना इतना स्कोर भी अच्छा नहीं किया है, वहाँ तक आप नहीं पहुँचे, आपकी परसेंटेज वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो आपके ऊपर जानबूझकर थोप आ जाता है संस्कृत, जो शायद आप नहीं पसंद कर रहे हो, शायद आपके दिमाग में, तो आपकी समझ में आता नहीं है, वो समझ के बाहर जा रही है, लेकिन आपके ऊपर वो थोपा गया क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आप टारगेट से पिछड़ के रह गए. तो ऐसी चीज़ें होती है. तो मानो कभी ऐसा भी हुआ, कभी किसी जगह पे आगे जाके आप लोगों का प्लान भी हो सकता है कि जो है इन फ्यूचर आप कहीं जो है फॉरेन कंट्री में जाके जो है कुछ करोगे, कुछ कोई करियर के ऑप्शन कुछ चुनोगे आप लोग, तो कहीं ऐसा लगे कि जो है वहाँ पे ना ऐसे डिक्लेयर कर दिया जाए कि आपको वहाँ आने के लिए, वहाँ रहने के लिए हमेशा और हमेशा आपके तहजीब में, आपके हर चीज़ में वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा ही होनी चाहिए, आपकी भाषा, आपकी तहजीब, आपका कुछ भी नहीं चलेगा, तो कैसा लगता है? होता है ना दर्द. ठीक ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सोचो, कल को आपके देश में, आपके समाज में कोई ऐसा बंदा आ जाए, कोई ऐसे लोग आ जाए और कहे कि कल से ना आप हिंदी में बात बिल्कुल मत करना, कल से आपको जो है फ्रेंच में बात करनी है. तो ये जो बात है, ये जो भाषाएं हैं, ये भाषा हमारी पहचान होती है, ये हमारे कल्चर से जुड़े होते हैं, हमारे पहचान, हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई होती है. तो कभी कोई ज़बरदस्ती इसको इम्पोज करने की कोशिश करे हम पे, तो कैसा रहेगा? तो सोचकर जो दर्द होता है ना, ये कहानी उसी दर्द के ऊपर है. ऐसा होता है कि पहले जो है हम काफ़ी, हम में से ऐसे भी लोग हैं जो अपने लैंग्वेज से इतना प्यार नहीं करते. कुछ लोग ना ऐसे भी होते कि कुछ जो है उनके लैंग्वेज के अंदर कॉलोक्वियल जो है एक जो है खिंचाव सा होता है. जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चे अलग होते हैं, साउथ के बच्चे अलग होते हैं, उनके जो कहने के अंदर, उनके लैंग्वेज के अंदर में भी कुछ अलग सा उनका स्टाइल, अलग सा उनका पैटर्न होता है बोलने का. लेकिन हम में से भी कभी कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे की भाषा को लेकर
उनको तिरछुआ करते हैं, उनसे जो है गलत जो है उनकी लेग पुलिंग करते हैं। कभी कई जगह पे ऐसे हुआ है, कभी स्कूल या कॉलेज में ऐसे होता है कि बुलिंग के शिकार होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो संख्या में कम होते हैं और उनके ऊपर ऐसा किया जाता है। लेकिन एक बात बताते हैं कि किसी का लैंग्वेज उसकी पहचान होती है, तो उस पहचान को लेकर किसी को अपने मन में भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए, ना ही किसी और को किसी को छोटा करना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर जो है कहानी आगे बढ़ेगी। ये है लास्ट लेसन, हम जानेंगे द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन क्यों है, क्या है इसके अंदर? तो लास्ट लेसन जो है, हम पहले जानेंगे ऑथर के बारे में। ऑथर कौन है? ऑथर है अल्फोंसो डॉडिट, जो 1840 में जो है जन्म लिए हुए एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट कम शॉर्ट स्टोरी राइटर कम प्ले राइट जो है रहे। सबसे बड़ी बात है, सब तो वो जो है 14 साल की उम्र में, ओनली 14 ईयर जो जब उनकी एज थी तब जो है उन्होंने तब से लिखना शुरू किया। आगे बढ़े तो उन्होंने भी लाइफ में बहुत ठोकरे खाए और फाइनली जो है आगे बढ़े। लेकिन बात यह है कि कहानी के साथ उनका कनेक्शन, तो ये जो कहानी है ये जो है पहली बार जो कहानी पब्लिश हुई वो है 1873, इन द ईयर 1873। अब जो है हम आपको थोड़ा बताएंगे कि ऑथर जो है अपनी जो ये स्टोरी है इसको लेकर द लास्ट लेसन, इसको जो है पब्लिश किया 1873 में। तो अब इसका बैकड्रॉप समझेंगे तब जो है समझ में आएगा कनेक्शन। तो बैकड्रॉप क्या है, बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी है कब हुआ कैसे हुआ, वो ये है कि फ्रांको प्रशियन जो वॉर 1870 से 1871 तक जो फ्रांको प्रशियन वॉर, उसके अंदर जो है फ्रांस जो है डिफीटेड होता है बाय प्रशिया, जब जो है बिस्मार्क के जो है ही वॉज द लीडर, उनके रूलिंग जो है उनके रूल के अंदर जो है प्रशिया जीत जाती है और फ्रांस जो है हारती है। अब उसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई एक जो है ये एक पार्ट ऑफ इंपीरियलिज्म बोल सकते हैं, साम्राज्यवादी शक्ति जो है वो सबसे पहले जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना, उनके कई किस्म के सामाजिक अत्याचार तो होते ही है, सामाजिक प्रेक्षापट के अंदर जो है उनकी वो चीज़ें कि अपनी पेशीगत शक्ति को वो पावर को जो है इम्पोज करना है, ऐसी चीज़ तो होती है, साइड बाय साइड होता है कि इसके ऊपर ना हम जो है बड़े शक्तिशाली हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे बुलिंग का शिकार क्यों होते हैं लोग, इसलिए होते हैं कि जो मतलब मेजोरिटी है वो शायद ऐसे होते हैं कि बहुत अंग्रेज़ी बोलने वाले होते हैं या बहुत शुद्ध हिंदी बोलने वाले होते हैं, उसके अंदर सडनली एक साउथ इंडियन कोई बच्चा पहुंच जाता है तो बड़े बुलिंग का शिकार होते हैं। कई जगह पे ऐसे देखा है, आई एम नॉट सेइंग कि सारे बच्चों में ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, दे आर इन अ गुड पीपल ग्रुप, वो स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ही अलग होती है, लेकिन कई जगह पे ऐसी चीज़ देखी जाती है। तो ये बहुत पहले से रही है, ये एक बीमारी है, तो ये बीमारी बहुत पहले से एकदम बोल सकते हैं हिस्ट्री से बहुत पहले से रिपीट होती हुई आ रही है, आज भी रिपीट होते हैं बहुत जगह पे। तो यही चीज़ उस वक्त हुआ फ्रांको प्रशियन एयर के वॉर के चलते, उस वक्त जो है प्रशिया जो है हरा देती है फ्रांस को। अब क्या होता है, एक एक जब पता चलता है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट एक एक जगह जो है उनके द्वारा जो है अभी एम्पावर्ड हो चुका है, वो अभी आ चुका है, वो अभी जो है सारी चीज़ें इनके ऊपर इम्पोस्ट करना है, कैसे हमारी चीज़ें हमारी कल्चर ये करना पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा, आप अपनी चीज़ें अपनी कल्चर के जो पार्ट्स है वो नहीं कर पाओगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इम्पोज किया जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ और ज़्यादा होती है ये ना लोगों के अंदर एक बीमारी है कि लिंग्विस्टिक फ्रीडम वो छीन लेना, भाषागत जो फ्रीडम होता है वो छीन लेना। मैं अगर हिंदी भाषी हूँ, मेरे से जो है पहले जो है ये छीन लो, मेरे कल्चर मेरे से छीन लो, मेरे ऊपर इम्पोज करो कि कल से ना आप ऐसे नहीं बोल पाओगे ऐसे नहीं चल पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर हावी होती है। ऐसा नहीं है कि कभी जो है किसी लैंग्वेज को प्यार से नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, अगर ऐसा होता तो जो है हम हिंदी भाषी लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो अंग्रेज़ी या और भी कई विदेशी भाषाओं को जो है अपना चुके हैं, बड़े प्यार से अपना चुके हैं, बोलते भी हैं। लेकिन जो प्यार से अपनाया जाए
उसके अंदर तो जो है ये नहीं होता है कि मेरे ऊपर पता नहीं कैसे ये लोग हावी हो जाएंगे, वो डर नहीं होता है, वो प्यार से उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसके अंदर अलग लगाव जो है तैयार होता है। लेकिन जब इम्पोज किया जाता है तो दोनों पक्ष में यही बात चलती है कि ये लोग पता नहीं और क्या क्या करेंगे, कल को मेरे से ऐसी चीज़ें छीन लेंगे, जैसे हम अपनी पूजा अर्चना करते हैं शायद ये भी छीन ले, शायद जैसे हम बोलते हैं जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो भी छीन ले, क्या करेंगे। तो ऐसी चीज़ों का प्रभाव एक कम उम्र के स्कूल गोइंग स्टूडेंट के अंदर, बच्चे के अंदर जो प्रभाव, जो इम्पैक्ट डालता है, ये कहानी उसी के ऊपर आधारित है। अब बोलेंगे कि फ्रांको प्रूशियन एयर 1870 से 1871 तक चला, उसके अंदर जो है ये देखा जाएगा कि जो है दो डिस्ट्रिक्ट सडनली इनको समझ में आएगा कि दो डिस्ट्रिक्ट जो है फिर से जो है इनके अंदर चला आया है, और इसके वजह से जो है इनके ऊपर चीज़ें जो है इम्पोज किया जा रहा है। और सबसे पहले उनका लिंग्विस्टिक जो चीज़ें, जैसे मानो वो लोग फ्रांस फ्रेंच बोलते थे, सीखते थे, वो उनसे उनके स्कूल से हटाया जाता है और जो है इम्पोज किया जाता है, कल से ना जर्मनी पर आपको जो है जर्मन लैंग्वेज सीखना है, जर्मन पढ़ना है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो इस कहानी के अंदर है। अब उसका जो प्रभाव जो मानस पट में, यानी जो टीचर हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके मन में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, उसके ऊपर उसके जो एकदम बहुत इनसाइट जो आपके हमारे ऑथर के अंदर उस दृष्टि से, उस अंतर्दृष्टि से उन्होंने जितना फील किया वो इस कहानी के अंदर उन्होंने पिरोया है। तो कैसे, तो इनके साथ ही कनेक्शन हम देख लेंगे। पहले बोल दिया हम, उन्होंने जो है 1873 में कहानी को जो है पब्लिश किया, 1870 से 1871 तक ये फ्रांको प्रूशियन वॉर चलती रही, लेकिन इसके अंदर एज अ गार्ड उनके रेजिमेंट के साथ, वो सेना वाहिनी के अंदर जो है हमारे ऑथर जो अल्फोंस डॉडिच वो खुद जो है शामिल हुए थे, और एक्चुअली 1871 में वो भाग भी आए थे, जो पैडी कमीन के जो उनके जो अत्याचार और वो जो दृश्य थे, वो उनके अत्याचार की मात्रा वो सब कुछ देखकर वो फाइनली भाग आए थे। तो वही सब कुछ डिटेल्स में कहानी, मतलब हिस्ट्री में बहुत जगह पे, बहुत उनकी कहानियों में आगे जाके हमें देखने को मिली, बहुत सारी उनकी कहानियों के पार्ट्स में हमें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे जो है कैसे भाषागत जो फ्रीडम है उसको छीना गया, और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है जो इंसान के ऊपर, वही उसको लेकर जो है ऑथर ने यहाँ पे बताया गया, क्योंकि उन्होंने जो है उनके जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था उस उनके रेजिमेंट के साथ, उनको जो है एज अ गार्ड उनको भेजा गया था फ्रांस, और जो है उनको उनके उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ का ये सब सिचुएशन संभालने के लिए, उनको जो है वॉर फ्रंट में भेजा नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है जब उनको वॉर फ्रंट में भेजा नहीं गया था तो उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत क्लोजली उनको देखने का मौका लगा, तो इसीलिए जो है ये कनेक्शन फाइनली बन पाया कि फ्रांको प्रूशियन एयर के फ्रांको प्रूशियन जो वॉर है उसका जो इम्पैक्ट और जो इम्पीरियलिज्म का जो इम्पैक्ट और जो एक होता है जो लिंग्विस्टिक शॉबिनिज्म को ये दर्शाता हुआ। अब लिंग्विस्टिक शॉबिनिज्म जो है वो एक ऐसी भाषाई रूढ़ी बात बोल सकते हैं, ये लिंग्विस्टिक शॉबिनिज्म जो है वो एक बीमारी है। वो क्या होता है कि अगर मैं कोई दूसरी भाषी हूँ और मेरे ऊपर या मेरे प्रदेश के ऊपर कोई दूसरा रूलर आ गया और मेरे अंदर ये डर है कि वो पता नहीं मेरे से क्या क्या छीन लेगा, मेरे बोलने की फ्रीडम, मेरा जो है आइडेंटिटी, पता नहीं क्या क्या छीन जाएगा, ये मेरे अंदर डर है। दूसरा बंदा जो है वो भी अपने लैंग्वेज को जो है सुपीरियर मानता है, यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है और जो रूल करने आए हैं, दोनों के ऊपर ये प्रभाव होता है कि हर एक जो है अपने भाषा को जो है सुपीरियर मानता है, तब भी जो है ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्रिएट होती, क्योंकि हर कोई अपनी भाषा को सुपीरियर मानता है और भाषा सुपीरियर हमेशा होता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी और की भाषा को इन्फीरियर समझा जाए।
तो यहाँ पे जो शॉविनिज्म, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्रिएट होता है वो इस बीमारी की वजह से ही क्रिएट होता है कि हर कोई अपने ही भाषा को सिर्फ सुपीरियर समझता है और यही सोचता है कि अपनी भाषा को जो दूसरे के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि आई एम पावरफुल, आई एम द रूलर, आई कैन इम्पोज ओवर देम। तो ये जो चीज़ें हैं ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का जन्म देता है। तो हर कोई जो रूल हो रहा है और जो रूल करने आया है, दोनों के ऊपर ये प्रभाव होता है, वो अपने मान्यता के हिसाब से कि मेरा भाषा जो है, मेरी भाषा जो है सुपीरियर है, माई लैंग्वेज इज सुपीरियर दैन दैट, दैन एवरीथिंग, सो हमें जो है यही भाषा का जो है प्रचार करना है, प्रसार करना है, ये सोचते हैं। दूसरा जो रूल हो रहा है उसके हाथ में कोई और नहीं, चारा नहीं बचा है, वो विवश हो जाता है, लेकिन मन ही मन एक डर होता है और हमेशा जो है ये लड़ाई जारी रखता है, रखना चाहता है कि जो है अपनी भाषा को जो है अपने अंदर, अपनी संस्कृति को बनाए रखे। ये एक अंदरूनी लड़ाई उनके अंदर चलती रहती है, उसी को लेकर कहानी आगे बढ़ेगी। तो जैसे कि ऑलरेडी कहा गया है, एक लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म यहाँ पे इस कहानी में देखा जाएगा। तो हम जो है कहानी की तरफ बिना वक्त जाया किए आगे बढ़ेंगे अभी, क्योंकि कनेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि डॉडेट को जो है नेशनल गार्ड, उनके रेजिमेंट के साथ नेशनल गार्ड के लिए भी सेंड किया गया, कहाँ पे, फ्रांस। तो जो है अभी फ्रेंको प्रूशियन वॉर के दौरान जो है उनको ये सब कुछ देखने का मौका मिल गया, क्योंकि उनको बैटल फील्ड में नहीं जाना था, नेशनल गार्ड में जाना था, और वहाँ चलते हुए, वहाँ काम करते हुए ये सारी दृश्य को जो है उन्होंने बहुत क्लोजली निरीक्षण किया और फाइनली इस कहानी को जो है इंटीमेटली हर डिटेल्स के साथ जो है वो पेश करने में सक्षम रहे, और फाइनली 1873 में ये कहानी पब्लिश भी हुई। तो अभी सीधा कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। पहले ही अबाउट द ऑथर, अब जबकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हम बोल चुके हैं 1840 टू 1897 का उनका जो है सफ़र, उसके बाद जो है वो क्या थे, फ्रेंच नॉवलिस्ट, एंड ऑलरेडी हम बता चुके हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर और जो है प्ले राइट भी थे। तो लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर, जैसे हम बोले थे 1870 से 1871 तक जो है ये वॉर चलती रही, उसके अंदर जो है फ्रांस डिफीटेड जो है बाई प्रूशिया हुए थे। प्रूशिया क्या था, जो बिस्मार्क के बाई जो है उस द्वारा उस वक्त जो है रूल एंड परिचालित थे, तो उसके साथ साथ जो है वो प्रूशिया क्या थे, प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ वॉट, प्रूशिया तब क्या था, प्रूशिया के नाम किस चीज़ से कंसिस्टेड थे, जो है द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को लेकर उस वक्त प्रशिया हुआ करते थे, तो वो जो है हरा देते हैं फ्रांस को। कब, 1870 के अंदर, 1870 से 71 के अंदर जो फ्रांको प्रूशियन वॉर हुआ था उसके अंदर फ्रांस को हरा देती है। और ये कहानी पे हम देखेंगे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन दैट हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। जैसे हमने कहा था एक एक डिस्ट्रिक्ट जैसे पास्ड हो जाता है, जैसे उनके हाथ में चला जाता है, उनके पास न्यूज आती है, वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेन, इनको लेकर कहानी है, जो कि हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, और उसके बाद उसका जो प्रभाव है वही प्रभाव हम कहानी में देखेंगे। कहानी में चलते हैं, तो कहानी में आता है फर्स्ट एक बंदे की, एक बच्चे की जो है जुबानी। कौन है वो बच्चा हम जानते हैं, जानेंगे। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, specially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो बोल रहा है एक लड़का, हम जानेंगे वो लड़का है फ्रांस, आगे जाकर ही जानेंगे, मिस्टर हैमलन फ्रांस का ही टोटल यहाँ पे जो है रोल देखा जाएगा, क्योंकि ये जो जुबानी है वो फ्रांस के जुबानी ही हम सुनेंगे, जो ऑथर ने हमें फ्रांस की जुबानी के जरिए ये कहानी हमें हम तक पहुँचाए हैं। कैसे, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह बहुत देर जो है स्कूल के लिए रवाना हुआ, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, बड़ा भयानक एक डर एक मेरे अंदर था ऑफ अ स्कोल्डिंग, कि मेरे को डांट पड़ने वाली है आज, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो मिस्टर हैमिल जो एकदम तगड़े स्ट्रिक्ट वाले टीचर, क्योंकि उन्हीं का डर है इसको है फ्रांस को, तो जो है बट ऑब्वियस है बहुत ही
मतलब भयानक टीचर, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर, तो उसकी वजह से जो है लड़का बहुत डरा हुआ है, बोल रहा है ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मतलब एक तो जो है होता है डर, लेकिन भयानक लेवल का डर, ड्रेड जो है भयंकर जो डर होता है डांट खाने का, कि डांट बहुत पड़ती है ऐसे इंसान से, वो है मिस्टर हैमिल। तो मिस्टर हैमिल जो है आज पार्टिसिपल पे सवाल पूछने वाले हैं, पार्टिसिपल जो ग्रामर का पार्ट है और जो बिल्कुल मेरे को उसका एक शब्द भी मेरे को नहीं पता है। क्या बोल रहा है? एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। ये होता क्या है, मुझे एक शब्द भी नहीं पता है, फर्स्ट वर्ड तक नहीं पता है मुझे, इसीलिए बहुत डर के चल रहा हूँ आज, तो ऊपर से जो है लेट चल रहा हूँ। फॉर अ मोमेंट आई थॉट, अब एक पल के लिए मैंने सोचा, किसने सोचा, फ्रांस ने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अरे ये उम्र ही क्या है, अभी जो है जो सोच इस उम्र में सबके अंदर होता है, फ्रांस उससे अलग नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो गांव के जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं में से, उन्हीं परिवार से उठकर आया हुआ है ये फ्रांस नाम का लड़का, जो इनको जो है कहीं ना कहीं बड़े रिक्वेस्ट करके जो है और बड़े प्यार व्यार से बुला बुला कर ही जो है पढ़ाया जाता था, वरना इनके माता पिता या इनके जो घर के लोग सदस्य होते हैं वो हमेशा यही सोचते कि कहीं पे काम पे लगा दे और दो चार पैसे और आ जाए, जैसे यूजुअली पिछड़े वर्ग लोगों में हमारे यहाँ पे भी देखा जाता है। काफ़ी ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ पे जो है ऐसे प्यार से गिफ्ट्स देकर, बहुत समझा बुझा कर जो है पढ़ाई का साक्षरता अभियान के अंदर जो है उनको लाया जाता है, वैसे ही फ्रांस उन्हीं में से एक ऐसे ही बच्चा था। अब जाहिर सी बात है उम्र भी ऐसी थी, तो उसके अंदर क्या मिस्टर हैमिल के ये बकवास चीज़ों के अंदर पढ़ना, तो और जिसके बारे में मुझे एकदम कुछ मालूम ही नहीं है, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा क्यों ना जो है भाग के चला जाऊं बाहर और जो है पूरा दिन ना बाहर बिताऊं, क्या इस पचरे में पड़ना। तो एक पल के लिए मैंने सोचा, किसने सोचा, ये फ्रांस ने सोचा। अभी क्या हुआ, वो सोचा तो कि पूरा दिन भर ना मैं बाहर ही रहूं, ये फालतू के पचरे में नहीं पड़ूं। इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट, अभी जो है मन में जो चलता है एक उभरता हुआ कलाकार की तरह, वो एक बच्चा जिसका जो है मानसिक विकास होना शुरू हुआ है, वो बाहर प्रकृति के बीच जो है अपना आनंद ढूंढ लेता है और उसको लगता है दिन बड़ा ब्राइट है, बड़ा ही वॉर्म है, तो इसके अंदर क्यों ना मैं बाहर ही जो है दिन बिताऊं, क्या फालतू के पार्टिसिपल जिसके बारे में पता ही नहीं है, स्कूल वूल मिस्टर हैमिल के बकवास सुनना, ये सब कौन, जैसे हमारे में भी होता है ये, अभी टीचर कभी कभी होता है ना कुछ सब्जेक्ट के अंदर वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और ऐसा लगता है सर दर्द हो रहा है, कौन ये सब सुने, लेकिन भागने का चारा भी नहीं होता है, वही फ्रांस के साथ हो रहा है क्योंकि मिस्टर हैमिल तो पकड़ेंगे ऐसा उसको लगता है। तो अभी क्या हुआ, उसने सोचा कि दिन तो बड़ा वार्म है, सो ब्राइट है, द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, लकड़ी के मतलब हर जो पौधा है, हर जो वुड्स है, हर जो वृक्ष है उसके हर किनारे में जो है पंछियाँ चिड़चिड़ कर रही है, उनकी आवाज़ में मीठी आवाज़ में गा रही है अब, और जो है इतना ब्राइट डे है और क्या है, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे जो ओपन फील्ड है ना, जो खुली हुई बड़ा सा जो है फील्ड है, उस फील्ड के ऊपर जो है हम सुनाई दे रहा है, इतने ब्राइट डे के अंदर प्रशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, वो अपना मार्च, वो जो अपना प्रैक्टिस होता है सोल्जर्स के, वो सब चला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो सब सुनाई दे रहा है, इतना ब्राइट सा डे है, मैं एकदम फील्ड के किनारे ना ऐसे बैठ कर बड़ा इंजॉय करता जो है, तब मज़ा आता, क्या मिस्टर हैमिल के ये बकवास के अंदर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वे आउट नहीं है, क्यों, इसीलिए तो वो भाग रहा है क्योंकि वे आउट नहीं है। अब क्या हुआ, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो बोल रहा है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये पार्टिसिपल, ये फ्रेंच क्लास, इन सबसे ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा टेम्पटिंग मनोग्राही जो है वो यही सब है कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर
चिड़ियों की चिड़पिर सुन लूँ, जो है सोल्जर्स को मार्च करते हुए देख लूँ, बड़ा सा जो है फील्ड को जो है निहार लूँ और जो है पूरे इस ब्राइट डे को एंजॉय कर लूँ। ये पार्टिसिपल वगैरह तो चलती रहेगी, ऐसा फ्रांस का सोचना था। तो अभी क्या हुआ, लेकिन बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, लेकिन क्या करूँ, मेरे अंदर पावर है, मैं खुद को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ, खुद की इच्छाओं को इस वक्त कंट्रोल कर सकता हूँ और जो है हेडेड ऑफ टू स्कूल कर लिया मैंने। चलो छोड़ो, सब कुछ बाहर की तरफ मन नहीं देते हैं और जो है भाग के चलते हैं स्कूल की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। अब क्या करता है फ्रांस, भागता है, भागने लगता है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जब भी उसको हमेशा के फीलिंग्स के साथ यहाँ पे जो है आप क्लियरली अपने भी कुछ चीज़ें मैच कर सकते हो, जैसे मेरे साथ भी होता था कभी स्कूल के क्लास चलते हुए ना, नोटिस का जो कॉपी आ जाता था, जो नोटिस आने लगता था ना, सडनली हम सोचते थे कुछ मे बी कुछ हमारे लिए पता नहीं गार्डियन मीटिंग हो या पता नहीं क्या, ऐसे यूजुअली हमारे एक दुगदुगी चलती रहती थी कि पता नहीं क्या अभी विस्फोट होने वाला है जो हमारे लिए तो सही नहीं होगा। तो ऐसे ही फ्रांस के मन के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि उसको वो इतने उम्र का नहीं था कि वो उस वक्त जो है वॉर या उसके इम्पैक्ट या उसका कोई भी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर जो कठिनाई है उसको समझ पाए, उसकी उम्र नहीं थी। तो यही चीज़ हमें कहानी में देखने को मिलेगी कि वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वॉर के बारे में ज़रूर सबको पता था, उसके धीरे धीरे उसका जो इम्पैक्ट जनता जनार्दन के निजी जिंदगी में और डेली लाइफ में पड़ता हुआ जो इम्पैक्ट है उससे कोई अनजान तो नहीं था, लेकिन फ्रांस की उम्र इतनी भी नहीं थी कि वो ये सब सोचे। उसको तभी भी जो है ब्राइट डे, वार्म डे, हाउ टेम्पटिंग इट वॉज, इसके बारे में ही उसको सोचना है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी थी। तो अब बोल रहा है व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा हूँ, मतलब भाग के जा रहा हूँ, तब जो है देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड होता है ना जहाँ पे नोटिस वोटिस चिपकाया हुआ होता है, तो वहाँ पे जो है वो मैंने एक क्राउड को देखा, भीड़ जमी हुई थी। फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, तो लास्ट दो साल से मैं यही देखता आया हूँ कि वहीं से जो है सारे के सारे बैड न्यूज़ आते हैं। आज जो है युद्ध की घोषणा हुई, आज ये हो गया, कल गार्डियन मीटिंग है, कल वो है, मैं भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़, जैसे हमारे बीच भी हमारे में मन में भी दुख दुख होते, ये पता नहीं क्लास के बीच नोटिस कैसे आ गया, ये बुलेटिन बोर्ड में सब क्राउड लगा के क्यों खड़े हैं, पता नहीं कौन सा क्या डिक्लेरेशन होने वाली है। तो ऐसी ही चीज़ जो है फ्रांस बोलता आ रहा है, कभी अच्छी न्यूज़ नहीं देखा, लेकिन दो साल से उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमेशा जितने गलत न्यूज़ आए, जितने बैड न्यूज़ आए ना, वो हमेशा जो है इस बुलेटिन बोर्ड के ज़रिए ही आया, तो उस पर वो ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट चल रहा था। तो क्या बोल रहा है, फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, दो साल से तो सारे खराब खबरें, खराब न्यूज़ जो हमारे लिए थे तो वो यही से आ रहे थे। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या हुआ, बोल रहे हैं युद्ध में हार जाना, नए आदेश का आना, नई चीज़ों का जो है उनके ऊपर थोपना, इम्पोज करना, ये सारी न्यूज़ जो है इसी बुलेटिन बोर्ड के ज़रिए लास्ट टू ईयर से वो देखता आ रहा है। तो अभी मन ही मन सोच रहा है अब क्या मैटर हो सकता है, इतनी भीड़ तो लगी हुई है वहाँ पे, पता नहीं अब कौन सी बैड न्यूज़ आने वाली है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है, चलो बैड न्यूज़ बाद में देख लेगा वो, लेकिन अभी जो है वो क्लास के लिए लेट हो रहा है ऑलरेडी, मिस्टर हैमल का डर उसको मन ही मन खाया जा रहा है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो जब ऐसे ही सिचुएशन के अंदर, जब बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखते हुए मैं भागता हुआ क्लास की तरफ जा रहा था, जितना फास्ट मेरे से हो सके मैं भागने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त जो ब्लैकस्मिथ है, वो जो लोहार है, वॉचर ने क्या कहा, जो वहाँ पे था
जो है विथ हिज अप्रेंटिस, जो उसकी जो सहकारी है उसके साथ वो वहाँ पे था, तो वो बुलेटिन को पढ़ रहा था, तो उसने क्या किया, पीछे से आवाज़ लगाई, अरे इतनी जल्दी मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम है, अभी पहुँच जाओगे आप। तो ऐसे जब कहता है तो जाहिर सी बात है उसके पास इतना मौका नहीं, जबकि वो जानता है वो ऑलरेडी लेट चल रहा है और गलती पे गलती करता जा रहा है, तो उसके मन में ये आया, ये जो ब्लैक स्मिथ है ना, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे को जानबूझकर ना पिंच करके बात कर रहा है कि जो है आपके पास बहुत टाइम है, अभी पहुंच ही जाओगे, ऐसे करके शायद बोल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था, वो हम कहानी में आगे बढ़ते हुए समझ में आएगा कि ब्लैक स्मिथ ने सही कहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो बुलेटिन पढ़ चुका था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, जैसे कि हमने कहा फ्रांस ने सोचा कि जो है वो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और एक सांस में भाग के मिस्टर हैमल के गार्डन तक जो है मैं पहुंच गया, क्योंकि एक के बाद वो हॉल क्रॉस करके जो है गार्डन क्रॉस करके फिर जो है क्लास की तरफ जाना होता है, तो वो एक सांस में भाग के, कौन लोहार क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, सोचते सोचते हुए चल रहा है कि ये ना मेरा मजाक उड़ा रहा था, चलो ठीक है इस तरफ अभी ध्यान देने का नहीं है, अभी भागते हैं क्लास की तरफ, तो एक सांस में जो है भाग के मिस्टर हैमल के गार्डन तक पहुँच गया है। Usually when school began, जो है there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो क्या बोल रहे हैं? यूजुअली जो साधारण दिन के हिसाब से जो होता है, जब क्लास या स्कूल जब शुरू हो जाता है ना, तब क्या होता है, बहुत ही मतलब हमेशा बिजीएस्ट डे लगता है, हर तरफ आवाज़ ही आवाज़, क्लासरूम से इतनी आवाज़ें आती है, डेस्क खींचने का, लेसन्स रिपीट करने का और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने का, ये सब आवाज़ें जो है बहुत परिचित आवाज़ें हैं, यूजुअल डे में यही सब आवाज़ें जो है सुनने को मिलती है। फ्रांस ये सब बोल रहा है कि यूजुअल डे में ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, और क्या, टीचर जो अपना रूल, जो अपना जो उनके हाथ में जो एक स्टिक होता है, उस स्टिक को जो है टेबल पे पीटते हुए ये सब आवाज़ें उनको सुनने को मिलती है, और स्टूडेंट्स जो है अपने कान के ऊपर ऐसे हाथ करके जो है उस आवाज़ को जो है सुनते हैं। और हाँ, एक यहाँ पे एक और मज़े की बात है, बचपन में कभी किसी कुछ लोगों ने और भी किया होगा, जैसे हम भी कर चुके हैं, तो कुछ आवाज़ें ऐसे होती है ना, जब हम जो है कान के ऊपर ऐसे ऐसे करके हाथ रख के उस आवाज़ को मज़े से सुनते थे, क्योंकि उसके अंदर ना एक आवाज़ क्रिएट भी होती है, तो वो आवाज़ भी होती है, तो ऐसी आवाज़ें फ्रांस सुन चुका था यूजुअल डे में। लेकिन आज कुछ डिफरेंट है, क्या है वो देखेंगे। तो आज क्या डिफरेंस है इसमें, But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो फ्रांस जो है यही सोचता है हमेशा, जैसे वो लेट हो जाता है कभी, वो यही सोचता है, जैसे काफी लड़के जो है करते रहते हैं कि क्लास को बंक करना होता है, तो टीचर अगर बिजी होते चुपके से जो है निकलना ताकि मुझे कोई ना देखे, या चुपके से अंदर आना, क्योंकि क्लास के लिए ऑलरेडी वो लेट पहुंच चुका है, तो चुपके से अंदर आना ताकि उसको कोई नोटिस ना करे, जोर जोर से पढ़ रहे हो सब या सब जब बिजी हो रहे हैं बहुत, उसके अंदर चुपके से चले जाना, ये फ्रांस भी सोच रहा था कि यही करना है कि ताकि कोई मुझे ना देख पाए, इसकी सोच थी। लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा ही है, आज दूसरे दिनों से एकदम सब कुछ शांत है, जैसे दूसरे दिनों में होता है, जो एक हमेशा मतलब आवाज़ें ही आवाज़ें, एक अलग सा माहौल उसमें होता था कि जो है ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, सब बिजी है पढ़ने वढ़ने के अंदर, क्लास के अंदर, वो चीज़ आज है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि संडे मॉर्निंग जैसे होती है ना, जब कोई क्लास नहीं रहती, स्कूल बंद रहता है, वैसे वाली एक सिचुएशन है, सब कुछ इतना ही शांत है। तो वो ये मौका नहीं ढूंढ पा रहा है कि वो उसको कोई ना देखे, क्योंकि इतना शांत है माहौल, तो वो क्यों है हम देखेंगे। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, अब खिड़की से पहुंचने से पहले वो क्या, खिड़की से जो है देख पा रहा है अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म,
और मिस्टर हैमिल जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टेरिबल आयरन रूलर, कितने स्ट्रिक्ट है, कितने वो मतलब रूल्स को फॉलो करते हैं, कितने स्ट्रिक्ट है वो दिखाने के लिए टेरिबल वर्ड का यूज़ किया गया, भयानक आयरन रूलर, वो जो है अपने ऐसे बगल में दबा के जो है वो अप एंड डाउन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आगे पीछे वॉक कर रहे हैं क्लास के अंदर, और बाकी जो उसके क्लासमेट्स हैं सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। I had to open the door and go in before everybody. तो मुझे क्या करना था, सब देखने से पहले, सबके पहले जो है मुझे चुपके से दरवाजा भी खोलना था और जो है जाना भी था, लेकिन अब देख जो है यूजुअल डे से तो सब अलग ही है, अभी जो है सबके सामने ही मुझे दरवाजा भी खोलना है और जाना भी है, चुपके से जाने का कोई जगह या कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो यहाँ पे blushed word का जो इस्तेमाल किया गया है, ये blushing किसी situation के अंदर बहुत अच्छा, ठीक है मेरी ये चीज़ सामने आ गई जो blush करके गाल लाल लाल हो जाते हैं वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो है awkward situation, क्योंकि उसने लेट किया क्लास में आते हुए, क्लास में वो रीच करने के अंदर इतना लेट चल रहा है, तो उसके अंदर जो हेजिटेशन, जो एक ऑकवर्ड फील है, उसी का जो है वर्णन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए ये ब्लश्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, कि बहुत ही अनइजी फील कर रहा था वो, कि मैंने ये कांड कर दिया, मैं ऑलरेडी तो एक तो पढ़कर नहीं आया सही से, ऊपर से इतना लेट पहुंच रहा हूँ, उसके कारण से वो लज्जित है, वो शर्मिंदा है, वो चीज़ जो है इसके यहाँ पे ब्लश्ड वर्ड करके इस्तेमाल किया गया, हाउ ऑकवर्ड इट वॉज फॉर हिम, उसको जो है दर्शाने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है ब्लश्ड, वो मतलब इतना मतलब शर्मिंदा हो रहा है कि यू बोल रहा है You can imagine, मैं आप लोग सोच सकते हो कि मैं मेरी हालत क्या हुई होगी उस वक्त, how uneasy it was कि सबके सामने, एक तो लेट, ऊपर सबके सामने ऐसे चलकर आना, दरवाज़ा खोल के अंदर जाना, कि सब मेरे ही तरफ देखेंगे, कितनी नालायक है रे तू, इतना नालायक है कि क्लास में जो है सही से सही वक्त पे पहुंच नहीं पाया, ये जो चीज़ें हैं, ये awkward feeling, इसी की वजह से जो है ये blushed word का इस्तेमाल किया गया, कितनी जो है अनइजी एक माहौल क्रिएट हुआ है उसके लिए, और क्या हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कितनी मतलब कितना भयभीत था मैं, क्योंकि मिस्टर हैमिल के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या डांट पड़ेगी आज तो ये सोचकर वो भयभीत है, क्योंकि सबके सामने अभी डांट पड़ेगी, इसीलिए वो blushed एंड frightened है। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, मिस्टर हैमिल सॉ मी, मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, ओके फ्रांस जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ, आज बड़े काइंड है मिस्टर हैमिल, वो एकदम उसके लिए बड़े शॉकिंग है कि मिस्टर हैमिल जैसे स्ट्रिक्ट पर्सन कैसे इतने काइंडली बोल रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से इतना भयभीत था मैं, इतना डरा हुआ था, कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, तो उन्होंने एकदम काइंडली कहा गो टू योर सीट, गो क्विकली, आप जल्दी जल्दी जाओ अपने सीट पे जाओ, और जो है हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, ऐसा मिस्टर हैमिल ने कहा, जो उसके लिए बड़े शॉकिंग, मतलब हुआ कैसे ये ऐसे, तो आगे क्या होता है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट एट माई डेस्क, जम्प्ड ओवर इसलिए है, अरे चलो बला टली कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा हुआ नहीं, मिस्टर हैमिल तो आज बड़े काइंड लग रहे हैं मेरे ऊपर, चलो बला टल गई, और जितनी जल्दी हो सके वो एकदम बेंच के ऊपर से जो है छलांग मार के अपनी जगह पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो क्या बोल रहे हैं? वो पहले तो अपने जो भयभीत जो मन में वो चल रहा था, उस परिस्थिति से बाहर निकला, डेस्क में जाकर हाफ लिया और बाप रे क्या सिचुएशन फेस कर लिया, चलो कुछ हुआ नहीं बला टली, उस सिचुएशन से अपने मानसिक स्थिति से जो है उभर कर ही देख पा रहा है, क्या देखा उसने, तब उसने नोटिस किया कि दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो हमारे जो टीचर वो अपने खूबसूरत से जो ग्रीन जो हरा वाला जो कोट वो पहनते हैं उसके अंदर है, हिज फ्रील्ड
शर्ट, उसके अंदर जो वो फ्रिल शर्ट पहनते हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो ब्लैक सिल्क कैप छोटी सी जो पहनते हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. कुछ स्पेशल दिन आने पर ही ऐसे पोशाक में, ऐसे यूनिफॉर्म में, ऐसे ड्रेस में टीचर को देखा जाता है, मिस्टर हैमिल को देखा गया है. इससे पहले कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या कोई इंस्पेक्शन होगा स्कूल के अंदर या कुछ ऐसे है, ऐसे स्पेशल मौके पर ही ऐसी ड्रेस वो पहनते हैं. कौन सा? वो ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड सिल्क, जो ब्लैक सिल्क कैप है वो पहनना. ये सब स्पेशल दिनों में ही होता है, लेकिन आज वो ऐसी ड्रेस में है तो फ्रांस थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ. ऐसा क्यों? चलो देखते हैं आगे क्यों, क्या है, फ्रांस समझ पाया या नहीं. तो द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम. तो पूरा जो स्कूल है ना, आज बड़े अजीब दिख रहा है, एकदम शांत सा और बड़े अद्भुत सा दिख रहा है, एकदम शांत एंड अद्भुत. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. तो सबसे बड़ी बात जो फ्रांस को और जो है सरप्राइज करती है, बहुत वो आश्चर्य हो जाता है कि जो बैक बेंचेस होते हैं क्लास के, वो बैक बेंचेस यूजुअली जो है खाली रहती है. तो आज के दिन वो खाली नहीं है, वहाँ पे ना सारे विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं. तो और बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये जो है उसके लिए बहुत अजीब लगा उसको. ओल्ड हाउजर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर. तो वहाँ के जो फॉर्मर मेयर ओल्ड हाउजर, वो अपने जो थ्री कॉर्नर जो एक हैट पहने हुए होते हैं, वो पहनकर जो है वो भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पूर्वी जो पोस्ट मास्टर थे, जो पहले के पोस्ट मास्टर रहे, वो आए हुए हैं. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और ऐसे कई सारे लोग जो है एक के बगल में एक बैठे हुए हैं. एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब ना बड़े दुखी दिख रहे थे. एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो ऐसा दिख रहा है कोई दलील दस्तावेज किस्म का एक कागज, जो प्राइमर बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई पेपर जो है ओल्ड हाउजर क्या किए हैं, अपने जो है नीज के बीच उसको जो है प्लेस किए हैं, और अपने थम से जो है उसके एजेस को पकड़ के बड़े गौर से जो है अपने स्पेक्टेकल्स को आगे करके, वो अपने चश्मे को आगे करके वो देख रहे हैं, बड़े गौर से उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं समझने की, उस पेपर से, उस कागज के टुकड़े या उस दलील के टुकड़े से कुछ पढ़ने की, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब कुछ देख रहा था, मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. तो ऐसा ही सब कुछ सोच रहा था फ्रांस कि ये सब क्या चल रहा है, चारों तरफ देख ही रहा था, समझ मतलब सोच में पड़ गया था. उसी दौरान जो है मिस्टर हैमिल अपने चेयर पे जो है बैठे और क्या किए, बड़े पोलाइटली, बड़े जेंटली, जैसे उन्होंने पहले फ्रांस से बात की, वही उसी टोन में जो है आज फिर से जो है इस वक्त बात कर रहे हैं. कैसे? माय चिल्ड्रन, बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शल गिव यू. आज जो है ये आखिरी लेसन है, आखिरी पाठ है जो आज हम आपको प्रदान करने वाले हैं, देने वाले हैं. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. तो बर्लिन से जो है कमांड आ चुका है, आदेश आ चुका है कि अल्सेस एंड लोरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब से स्कूल्स में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, वो जो मास्टर है, जो न्यू टीचर है, वो कल ही आने वाले हैं, जो जर्मन पढ़ाएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन
आज ये जो है आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और आज मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े ही मनियोग से, बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मन संयोग के साथ जो है आज आप सब जो है पढ़ो, आज का लेसन लो. ये मिस्टर हैमिल इनको बताते हैं. What a thunder clap these words were to me. अब ये जो लास्ट लेसन, जबकि फ्रांस जो है एकदम ही पसंद नहीं करता था फ्रेंच पढ़ना, पार्टिसिपल उसके समझ के बाहर है, लेकिन आज जब वो पहली बार सुनता है कि ऐसे ऑर्डर, ऐसे कमांड आ चुका है कि आज आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, इसके बाद से स्कूल में कभी भी अल्सास एंड लॉरेन में कभी किसी स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, आज ही आपके फ्रेंच लेसन का लास्ट डे है, वो उसके लिए वज्रपात के समान उसके ऊपर आया. ऐसा क्यों? उसको तो खुश होना चाहिए. जो फ्रेंच उसको कभी पसंद ही नहीं थी, जो लैंग्वेज उसको कभी पसंद नहीं थी, उसका पार्टिसिपल, उसका ग्रामर जो कभी पसंद ही नहीं आते थे उसको, तो आज वो उसका लास्ट लेसन है. आज तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा. फिर भी फ्रांस के लिए ये इतना दुखदायक, इतना वज्रपात के समान उसने क्यों कहा? ये थंडर क्लैप क्यों है उसके लिए? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर कहानी मानते हैं हम इसको, तो कहानी में ट्विस्ट. एक बच्चा जो उसके उम्र के हिसाब से उसको सिर्फ बाहर के मौज मस्ती, प्रकृति के अंदर खुले मैदान में भागना, मछली पकड़ना, या जो है पंछियों के घोंसले में देखना, ये सब उसको जो है पसंद था. यूजुअली यही होता है. तो ये यहाँ तक अभी तक था, क्योंकि अभी तक उसको किसी चीज़ के अंदर इसने इतने सीरियस होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी उम्र नहीं थी, तो उसको इतने सीरियस होने की ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन अब आया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि पहली बार उसको शायद लग रहा है, शायद उसमें प्रभाव आ रहा है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का. जैसे ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कुछ इम्पोज्ड होने का डर, कुछ छीन जाने का डर. क्या ये पहली दफा है जो फ्रांस इस चीज को महसूस कर रहा है? हम जानेंगे कहानी में, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोल दिया है थंडर क्लैप के बारे में. तो व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, क्यों कहा अब जानेंगे. ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. ओ यही था, यही वो बैड न्यूज थी जो उस वक्त टाउन हॉल में सब क्राउड करके, इतना क्राउड, भीड़ करके सब देख रहे थे नोटिस बोर्ड में. यही वो आदेश था, यही सब बैड न्यूज थी, यही वाली. ओ पहली बार फ्रांस बैड न्यूज को अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बड़े बैड न्यूज के अंदर देख रहा है, क्योंकि पहली बार उसके मन में ये इम्पैक्ट और उसके चलते उसका रिएक्शन शुरू हुआ है. प्रभाव और उसका प्रतिक्रिया जो हमारे सामने कहानी में ट्विस्ट के हिसाब से आया हुआ है. अब तक जो है एक लड़का जो वॉर वगैरह या उसके चेंजेस, उसके कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसके हाथ से गया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है प्रशिया ने ले लिया, क्या किसने किया, ही वॉज नॉट, जानता था, सुनता था, लेकिन ही वॉज नॉट एट ऑल वरीड. उसकी उम्र नहीं थी वरीड होने की, वो हुआ नहीं. लेकिन पहली बार उसके मन में ये प्रभाव पड़ना और उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हुआ है. ये जो ऑल द रिचेस दैट वॉज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पे, यही वो फालतू, यही वो बैड न्यूज थी जो टाउन हॉल में भीड़ लगा के सब पढ़ रहे थे. यही कमांड आया हुआ था कि फ्रेंच नहीं पढ़ना है, आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का, कल से जो है सडनली आपको जो है बताया जाता है कि कल से जो है आपको जर्मन पढ़ना है. ये पहली दफा उसके अंदर चेंजेस का आना, प्रतिक्रिया का आना शुरू हो रहा है. माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, कैसे हो सकता है ये जो एक्सक्लेमेटरी लगा के उसके अंदर के जो क्वे
क्वेश्चन और उसके अंदर की जो विश्व का मतलब बहुत ही वो आश्चर्य होता है, कैसे हो सकता है ये सडनली हमारे ऊपर कोई कैसे थोप सकता है। कल से मैं जर्मन पढ़ू, मेरा आज कौन ऐसे डिसाइड कर रहा है, ऐसे सडनली कैसे हो सकता है कि कोई मुझे कह दे ये मेरा आज, मैं जानता ही नहीं था ये आज मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। बहुत आश्चर्यचकित होता है बच्चा, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब सडनली क्यों ये सब, मैं तो बहुत मतलब शायद ही कुछ जानता हूँ कैसे लिखते हैं फ्रेंच। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे कभी पढ़ने का जानने का मौका नहीं लगेगा। आई मस्ट स्टॉप हियर देयर देन, तो अब यहाँ पे ही मुझे रुकना पड़ेगा जबकि मैं कुछ जानने का सीखने का मुझे मौका ही नहीं लगा सही से, यहाँ मुझे रुकना है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब जो है पहली बार, जैसे हमने ऑलरेडी कहा, पहली बार एक बच्चे के अंदर ऐसी चीजों का, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का या ऐसे रूल्स का इम्पोज होने का प्रभाव, रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, वो रिपेंट कर रहा है। कैसे कोई मेरे ऊपर ऐसे बोल सकता है कि आज ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, जब मैं कुछ सीख ही नहीं पाया और मैं बेवकूफ रहा, मैंने क्या किया, ये तो बेटर होता अगर मैं सही से सीख लेता। तो क्या बोल रहा है, Oh, how sorry I was for not learning my lessons. आज सच में मैं दुखी हूँ, मैंने अपने फ्रेंच लेसन्स को सही से सीरियसली नहीं लिया, नहीं पढ़ा मैंने, और मैंने क्या किया, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पंछी के घोंसले के अंदर उसके अंडे ढूंढना, और जो है नदी के पार, जो सार है, सार वहाँ की नदी है, रिवर का नाम है सार, तो नदी किनारे जाना या पंछी के घोंसले के अंदर अंडे ढूंढना, यही सब मैं करता रहा, अच्छा होता ये सब ना करके मैं फ्रेंच को सही से सीखता। मन में पहली बार रिपेंट करने का ये अनुभूति आई हुई है, ये है इम्पैक्ट, खुद से जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी भाषा का छीन जाने का डर, ये यही से शुरू होता है फ्रांस के अंदर, एटलीस्ट यही से शुरू हुआ है। माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ व्हाइल अगो सो हैवी टू कैरी, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो बोल रहा है कि कुछ ही देर पहले मैं आते आते भी सोच रहा था ये ना मेरे लिए burden है, क्या ये जो heavy heavy books है, ये heavy heavy French lesson है, तो ये जैसे books जो है carry करना मुश्किल है, इतनी heavy heavy books carry करके लेकर जाओ, और बड़ा ही मतलब आफत लगती थी, क्या ये फ्रेंच लेसन, ये पढ़ाई वढ़ाई, ये सब आफत लगती थी, न्यूजेंस, आफत, बड़ी आफत है सर पे चढ़ी हुई, ऐसे लगता था फ्रांस को कुछ ही देर पहले तक। अब रिपेंट कर रहा है, माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो मनुष्यों के इतिहास के पन्ने, मनुष्यों के बारे में जानने का जो जरिया था हिस्ट्री के पन्ने, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, वो सब पुराने जो दोस्त, ये सब पुराने चीजें अभी जो है वो पुराने हो चुके हैं, एंड दैट आई कुडंट गिव अप। अब क्या हुआ, चाहे वो न्यूजेंस थे लेकिन वो बोल रहा है वो तो मेरे पुराने दोस्त बन गए, चाहे मेरे लिए आफत थे लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनके साथ कनेक्टेड तो था, अब मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, कोई मेरे ऊपर सडनली कैसे बोल सकता है कि ये कल को जो है तुम नहीं कर पाओगे, आज इसे ये आपका लास्ट लेसन है, कल से आप जो है ये नहीं कर पाओगे, ये बड़ा ही मुश्किल सिचुएशन है एक बच्चे के माइंड में, ये पहली बार ही जो है इसका आगमन हुआ, ऐसे रिएक्शन का जो है पहली बार उसका रिएक्शन उसमें देखा गया, जो उसको न्यूजेंस, जो इसको आफत लगती थी, अभी जो है वही चीज उसको ओल्ड फ्रेंड लगने लगे, और वो बोल रहा है आई कुडंट गिव अप, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। एंड मिस्टर हैमिल टू, अब वही मिस्टर हैमिल जो बड़े अत्याचारी लगते थे उस, उनके जो बर्ताव बड़े, ये इतने स्ट्रिक्ट, इतने रूल्स को फॉलो, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले मिस्टर हैमिल, जिनके लिए बड़े ड्रेडली बहुत फ्राइटेंड रहता था ये लड़का, अभी वही मिस्टर हैमिल वो भी, उनको भी वो मिस करने लग गया, अभी से सोचने लग गया, क्या मिस्टर हैमिल टू
द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब ये सोचकर बुरा लग रहा है, कुछ ही देर पहले जो जिस मिस्टर हैमल को फेस करने के अंदर वो बड़ा ड्रेडफुल भयंकर लगता था, आज वो चले जाएंगे ये मैं सोच नहीं सकता। कौन सोच नहीं सकता? फ्रांस। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको कभी और देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो ये सोच कर कि उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा दोबारा, ये सोचकर वो ये भी भूल गया उनके जो उनके हाथ में जो डंडा होता था, बड़ा कठिन दंड देने वाला वो डंडा, वो रूलर। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कितने कठोर, कितने भयानक, मतलब इतने स्ट्रिक्ट उनके वो बिहेवियर, वो उस पल के लिए भूल जाता है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. तो आज वही मिस्टर हैमल जो उसके लिए अत्याचारी और बड़े कठोर दिल एक टीचर, आज फ्रेंड्स के लिए जो है पुअर मन बेचारा लगने लगे कि बेचारे टीचर। It was in honor of his last lesson, आज के आखिरी लेसन को ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए, he had put on his fine Sunday clothes. तो आज उन्होंने उनके fine, जो सबसे प्यारे Sunday clothes है, जैसे already हमने कहा green coat and frilled shirt के बारे में, तो आज उन्होंने वही पहन लिया। And now I understood, अब मैं समझ रहा हूँ why the old men of the village were sitting there in the back of the room, और क्लासरूम के बैक बेंचेस पे जो विलेजर्स आके बैठ गए हैं, जो ओल्ड मैन, जो एजेड लोग जो गांव के हैं, वो क्यों बैठ गए हैं अब मैं समझ पा रहा हूँ। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी टू, ये शायद इसलिए कि वो भी बहुत दुखी है, सॉरी टू इसीलिए क्योंकि आज जो है सॉरी फ्रांस भी है, तो इसलिए ये टू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नोटिस करना है इसको हमें बहुत सही से, सॉरी टू कहा गया है कि आज सबके साथ ये भी दुखी है, सबके साथ के अंदर, इन सबके अंदर फ्रांस भी है जो कुछ ही देर पहले अपने लेसन को न्यूजन समझता था, टीचर को इतना स्ट्रिक्ट समझता था, स्कूल को इतना बदतर समझता था कि उससे जो है बेटर था उसके लिए फील्ड में भागना और पंछी के घोंसले के अंदर जो है अंडे ढूंढना या रिवर साइड में फिशिंग करना, वही फ्रांस अभी जो है दुखी है। और यहाँ पे टू इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि गांव वाले भी दुखी थे क्योंकि फ्रांस भी दुखी है, दुखी था, तो दे वेर सॉरी टू, गांव वाले भी दुखी है दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि आज शायद वो भी दुखी है, ये फ्रांस की सोच है कि वो लोग तो ज्यादा स्कूल नहीं गए। अब फ्रांस अगर दुखी है तो इनके साथ शायद ये भी दुखी है क्योंकि वो लोग भी तो स्कूल नहीं जा पाए, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, तो शायद इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, तो शायद ये उनका धन्यवाद ज्ञापन करने का जो है तरीका है, थैंक यू जो है बोलने का तरीका है कि आवर मास्टर जो हमारे टीचर थे फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, बहुत ही विश्वसनीय तरीके से जो उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और उस देश के लिए रिस्पेक्ट देना बोल रहा है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट वॉज देयर्स नो मोर, क्योंकि जिस फ्रांस को जो है रिस्पेक्ट जताने के लिए वो आए हैं, ऐसा फ्रांस की सोच है, एक लड़के की सोच है कि दैट इज देयर्स नो मोर, वो अभी वहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये जो इम्पीरियलिज्म का, जो साम्राज्यवाद का प्रभाव है, एक युद्ध की घोषणा जिसके अंदर कॉमन मैन कहीं पे भी जो है कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सारा प्रभाव जो है उन्हीं के ऊपर आ रहा है। कल को वो उनको सुनने में आ गया कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है पहले जो है युद्ध घोषित होती है, उसके बाद जो है युद्ध चल रहा है, उसके अंदर जो भी उसके साइड इफेक्ट्स है, जो भी उसके इम्पैक्ट्स है, सारे उनके निजी जिंदगी में आना,
जिंदगी की हानि, फसल की हानि बहुत कुछ हो सकता है और सारी चीजों का प्रभाव इनके जिंदगी में पड़ना। और फाइनली ये न्यूज भी आना कि आज से जो है हम ना हमारे नहीं रहे, हमारे कंट्री जो है हम तो उसमें है लेकिन वो हमारा नहीं रहा। ये जो दैट इज देयर्स नो मोर, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो जिस कंट्री को उस कंट्री को रिस्पेक्ट करने आ रहे हैं जो अभी उसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि अभी जो है ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है प्रशियन सोल्जर के हाथों, प्रशियन आर्मी के हाथों चला गया या प्रशियन शक्ति के हाथों चला गया, अभी जो है उनके हिसाब से आपको चलना है। और सडनली एक लिंग्विस्टिक शॉबिनिज्म का शिकार ये लोग हो रहे हैं, उनको धीरे धीरे लगने लगा है कि सारी चीज़ें उनसे जो है छीन ली जा रही है। तो मैं तो अपने देश में हूँ लेकिन देश के अंदर मेरी जो आइडेंटिटी है, अस्तित्व है, वो सब कुछ तो छीन लिया जा रहा है। ये प्रभाव फ्रांस के मन में आया, ये इम्पैक्ट फ्रांस के मन में आया और ये उसी की सोच है कि ये ओल्ड मैन जो है गांव के वो रिस्पेक्ट जताने के लिए आए हैं, क्योंकि 40 साल से ये टीचर बड़े ही विश्वसनीय तरीके से जो है अपना काम कर रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं और शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, देश के लिए अपना सम्मान प्रदर्शन करने के लिए, दैट वॉज देयर नो मोर, जो कि अब उसमें है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि उनके पास ऑलरेडी नोटिस आ चुका है कि ये जो है जर्मनी के प्रशिया के हाथों चला गया है। तो जाहिर सी बात है अब देश देश में नहीं रहा, किसी और के हाथ में उसका कंट्रोल चला गया। तो उसी को जो है जो उसका इम्पैक्ट है फ्रांस के मन में, उसी ने दर्शाया है अपने भाषा के जरिए और ऑथर ने फ्रांस के जरिए कि दैट वॉज देयर्स नो मोर। While I was thinking of all this, जब मैं यही सब सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अचानक सुना कि मेरे नाम पुकारा जा रहा है। It was my turn to recite, अभी जो है मेरा turn आ गया recite करने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? क्या बोल रहा था फ्रांस, क्या बोल रहा है अभी? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? अगर क्या हो जाता अगर जो है मैं बहुत क्लियरली उसको, बहुत लाउडली उसको बोल पाता, उसके रूल्स को बोल पाता या नहीं, क्या हो जाता अगर बोल भी पाता तो? ऐसे मन में प्रभाव, क्योंकि उसके मन में ये ऑलरेडी प्रभाव इम्पैक्ट पड़ चुका है कि आज से उसकी भाषा, उसकी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं छीनी जा रही है, उसके ऊपर, उन सब के ऊपर कुछ इम्पोस्ट किया जा रहा है। तो कोई मिस्टेक के बिना अगर बोल भी देता तो भी क्या होता और बोल नहीं पा रहा तो भी क्या होता, ये एक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस उसके भाषा में, उसके बातों में है कि अगर सही से सीख पाता तो शायद अब तक कुछ होता। But I got mixed up on the first words. शायद अच्छा होता मैं सही सीख गया होता और बिना mistake के गड़गड़ करके बोल देता, without any mistake बोल देता, क्या हो जाता अगर बोल देता तो, क्या हो जाता मैं सीख लेता तो? ऐसी चीजें फ्रांस के मन में काम करने लग गई है, ऐसी सोच उसके मन में आने लगी है। लेकिन but I got mixed up, सारे के सारे जितने भी पढ़े थे वो अभी घुल मिल गए क्योंकि सही से किया ही नहीं कुछ। On the first words, पहले ही वर्ड में सब मिक्स अप हो गया and stood there holding on to my desk. अब डेस्क पकड़ के खड़ा हो गया और चुपचाप खड़ा हो गया क्योंकि सारा कुछ मिक्स्ड अप हो गया, क्योंकि उसने तो पढ़ा ही नहीं कि participle के ऊपर। My heart beating, दिल बड़े जोर से धड़कने लग गया and not daring to look up, और जो है आंखें उठाने की भी हिम्मत मेरे में नहीं रही। I heard Mr. Hamel to say to me, मैंने सुना मिस्टर हैमिल मेरे को बोल रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं मेरे बच्चे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ब खुद ही बहुत खराब लग रहा होगा, बहुत बुरा लग रहा होगा अभी। एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट के मन में जो चल रहा है और उनके मन में भी जो चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, जो ऑलरेडी जो है जो प्रभावित हुए हैं, कहीं ना कहीं तो समझ पाए होंगे। तो बोल रहे हैं शायद तुम खुद भी बहुत बुरा महसूस कर रहे हो, गलत महसूस कर रहे होंगे अभी। तो
मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा मेरे बच्चे. सी हाउ इट इज, देखो ये कैसा है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर दिन अब जो है एक अफसोस मिस्टर हैमिल के मुंह से निकल रही है, एक अफसोस वो भी जता रहे हैं. आज जो दुख का सैलाब उभर रहा है सबके अंदर, वो टीचर मिस्टर हैमिल भी उनसे अलग नहीं है. वो दुख आज उनके वर्ड्स में छलक रहे हैं. जो चीज़ें उन्होंने शायद वो और भी कुछ कोशिश कर सकते थे, आज वो रिपेंट कर रहे हैं. कैसे, देखो ये कैसा है. सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम खुद से कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे वाह मेरे पास तो बहुत वक्त है अभी. आई लर्न इट टुमारो, हम कल सीख लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखो आज हम कहाँ पहुँच गए. हर दिन हर वक्त हम खुद को जो है सुबह उठकर यही सोचते हैं, यही कहते हैं अभी मेरे पास बहुत वक्त है, हम सीख ही लेंगे. देखो आज क्या हो गया, आज हम कहाँ आके पहुँचे हैं. आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद आंसर्स, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन and yet you can neither speak nor write your own language. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को और अपने सारे देशवासी, जो देश के वासी हैं, जो देश के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया. अपने देशवासी मतलब अपने आदिवासियों को, अपने वासिंदों को जो है उन्होंने यही चीज़ जो है बताया. और खुद के मन में चल रही जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो सैलाब उनके मन में आ रही है, वही चीज़ों का जो है उन्होंने खुलासा किया. कैसे, देखो हर दिन हर वक्त हमने ज़ाया किया ऐसे कि हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है अभी पड़ा हुआ, हम सीख ही लेंगे. और ऐसे करते करते आज हम कहाँ पहुँच गए. और यही प्रॉब्लम आल्सेस के साथ है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर बोल रहे हैं, यही प्रॉब्लम आल्सेस के साथ है कि वो हर दिन यही सोचे कि कल कर लेंगे. तो ये तो हमसे भी कहा जाता है, जो कल करना है वो आज कर लो, क्या पता कल हो ना हो. यही कल हो ना हो इनके साथ हो रहा है, आज रिपेंट कर रहे हैं, आज वो टीचर भी रिपेंट कर रहे हैं. तो टीचर के मन में जो अफसोस, जो खो जाने का भयानक डर टीचर के मन में पनप रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके वर्ड्स में जाहिर हुआ है, यहाँ पे जो है प्रकाशित हुआ है. क्या हो जाता और जो है पहले से सीख लेते हम, अब क्या होगा, किस कगार पे आके हम खड़े हो गए. आज तो हमसे अपनी भाषा भी छीन ली गई. और सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात सोचो, जैसे आपने पार्टिसिपल नहीं सीखा और कई लोगों ने नहीं सीखा, हमने नहीं सीखा और पूरे आल्सेस ने नहीं सीखा, सोचा कि कल सीख लेंगे उनके लिए, क्योंकि फ्रांस तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक प्रतिनिधि है उन लोगों के जिन्होंने फ्रेंच सही से सीखा नहीं वक्त रहते. आल्सेस के अगर प्रतिनिधि भी समझा जाए और जिनके अंदर ये बात नहीं थी कि हम सीख ले सही वक्त पे, जिनके अंदर ये डर कभी नहीं था कि जो है हमसे छीन लिया जाएगा ऐसे हक, इसलिए वो सीखे नहीं, तो बोल रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है आल्सेस के साथ कि वो हर चीज़ कल सीखेगा ऐसा सोचते. तो क्या होगा जब आपके ऊपर आपको मजाक उड़ाया जाएगा आपका, हाउ इज इट जब ये लोग बोलेंगे. नाउ दोज फेलोज, वो लोग जो आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, जिनको आप अगर बोलना भी चाहो क्यों मुझसे छीन रहे हो, आई एम अ फ्रेंचमैन, मेरे से मेरे फ्रेंच सीखने का हक क्यों छीन रहे हो, अगर बोलोगे भी या फ्रेंचमैन कर कह के खुद को आइडेंटिफाई करना भी चाहोगे तो उनके सामने क्या बोलोगे जाके, कैसे फ्रेंचमैन हो, खुद को फ्रेंचमैन बोलते हो और नॉर्मल सी फ्रेंच के छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी फ्रेंच की भाषा को बोलने का जो नियम है वो तक नहीं आते तुमको, क्या बोल रहे हैं, हाउ इज इट ये कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम खुद को जो है फ्रेंचमैन बोलते हो एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, और आप अपनी खुद की भाषा बोलना और लिखना तक नहीं जानते हो, हाउ फनी इट इज, क्या बोलोगे उनके सामने.
तो ये जो एक चीज है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा, एक किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इंसान के लिए उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं उसके आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, उसके एग्जिस्टेंस, उसके कल्चर के एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है, वो उसकी आइडेंटिटी है। उससे लैंग्वेज छीनना मतलब उसके आइडेंटिटी को छीन लेना, और उसको अगर उसी की लैंग्वेज नहीं आती है तो ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी है, जो मिस्टर हैमिल आज सबको समझा रहे हैं कि क्या बोलोगे उनको, ये तो मुंह उठाकर बोल भी नहीं पाओगे दैट आई एम अ फ्रेंचमैन, वी आर फ्रेंचमैन, कैसे बोलोगे? और वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हाउ इज इट, ये कैसे हो सकता है आप खुद को फ्रेंचमैन बोलते हो, जबकि खुद की लैंग्वेज, खुद की भाषा आपको पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, खुद को फ्रेंचमैन बोलने का जो है साहस कैसे दिखा सकते हो, फ्रेंचमैन बोल कैसे सकते हो जबकि भाषा ही नहीं आती आपको। तिरछुआ है, दर्द से निकला हुआ तिरछुआ है, दर्द से जो दर्द पनप रहा था मिस्टर हैमिल के माइंड में, एक टीचर जो अपनी जिंदगी के 40 साल दे चुके हैं उस भाषा को सिखाने के लिए अपने फ्रेंचमैन को, अपने देशवासियों को, आज सबके अंदर वो ना समझा पाने का जो दर्द है, इस भाषा का, इस लैंग्वेज का प्रसार करने के अंदर जो कमी रह गई, उसका जो डर है, जो दर्द है, उस दर्द का छलकाव यहाँ पे दिख रहा है मिस्टर हैमिल के बातों में। योर पेरेंट्स, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। तो फ्रांस को अब तक यही कहा जाता है, कैसे लगेगा जब ये लोग सवाल करेंगे कि तुमको तो खुद अपनी भाषा नहीं आती और खुद को फ्रेंचमैन बोलते हो, बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे एकदम गए गुजरे हो ऐसा नहीं है लिटिल फ्रांस, सिर्फ तुम ही गए गुजरे हो ऐसा नहीं है, सबसे गए गुजरे तुम हो ऐसा भी नहीं है, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। तो ऐसा मिस्टर हैमिल का कहना है, तुम अकेले ही नहीं हो ऐसे कांड के अंदर जो है सबसे वर्स्ट हो, हम खुद भी कहीं ना कहीं अपने अंदर अगर झांके ना, हम सब में ऐसी कोई ना कोई खामी है, हमने गलती कर रखे हैं, ऐसा मिस्टर हैमिल का कहना है, हम सब ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रखा है अभी तक, आज रिपेंट कर रहे हैं। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। पहली बात तो आपके माता पिता जो आपको पढ़ाने लिखाने के अंदर इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा पढ़ाई कर ले, उन्होंने भी कभी नहीं कहा, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। जैसे कि हमने कहा था कि एकदम गांव के लेवल से, एकदम पिछड़े वर्ग के लेवल से उठकर आया हुआ ये फ्रेंड्स, तो उनके वो सोसाइटी के अंदर यही होता है कि दो पैसे कमा ले, भाषाएं सीखना वीखना पढ़ना लिखना तो चलता ही रहेगा, क्या है क्या नहीं इसमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। मिस्टर हैमिल का ये कहना है कि फ्रांस अकेला नहीं है, ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनके माँ बाप हैं, काश कि उस वक्त या इससे पहले, आज जब एल्सेस और लोरेन के ऊपर जो है एक इंपीरियलिज्म का इम्पैक्ट आ चुका है, ये प्रभाव आ चुका है, इससे पहले अगर वो लोग थोड़ा अपने बच्चों के पढ़ने लिखने के अंदर, अपने भाषाओं को जानने के अंदर थोड़े से भी इंटरेस्ट दिखा देते तो आज का ये माहौल शायद क्रिएट नहीं होता। तो फ्रांस जैसे लोग अकेले, फ्रांस जैसे बच्चे अकेले नहीं, कहीं ना कहीं बहुत लोग इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि इनके माँ बाप जो चाहते थे कि वो लोग इंटरेस्टेड थे कि कहीं किसी फार्म में किसी मील में काम कर ले, दो पैसे तो आ जाएंगे, भाषा वाषा सीखना वीखना तो चलता ही रहेगा, तो यहाँ पे रही गलती। एंड आई और मैं अब मिस्टर हैमिल खुद को भी कोस रहे हैं, कैसे? एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी खुद को ब्लेम कर रहा हूँ, मुझे भी खुद को ब्लेम करना चाहिए, मैं खुद दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वॉटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? मैंने भी तो किया, तुम्हारे लेसन्स को सही से पढ़ने के अंदर मैं अगर जोर देता, मैंने तुम कई बार तुमको मैंने भेजा ना कई बार कि जाओ मेरे प्लांट्स को, मेरे पौधों को जो है वाटर डाल के आओ, मेरे पौधों पे, मेरे बागीचे में जाओ वाटर डाल के आओ। काश उस वक्त मैंने वो वक्त ज़ाया नहीं किया होता, काश मैं वो वक्त ज़ाया ना करके उस वक्त मेरे बागीचे में पौधों को पानी डालने के लिए भेजने की वजह तुम्हें अगर पढ़ने लिखने के अंदर मैंने प्रेशराइज किया होता, उस वक्त जो है तुम्हें इंसिस्ट किया होता, तो आज का ये मंजर शायद नहीं होता। तो मिस्टर हैमिल खुद को भी ब्लेम
कर रहे हैं और रिपेंट कर रहे हैं कि मैं भी इक्वली दोषी हूँ, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें अपने प्लांट्स को, अपने पौधों को पानी डालने के लिए ज़्यादा भेजता था, पढ़ने लिखने में ज़्यादा ये नहीं देता था। काश कि मैं उस वक्त और स्ट्रिक्ट होता, मैंने भी तो किया ना ऐसे और क्या। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैंने भी तो कई बार किया, जब मुझे फ़िशिंग का शौक होता था, मुझे फ़िशिंग में जाना था, मछली पकड़ने के लिए जाना होता था और मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था चलो चलो जाओ आज छुट्टी है। काश कि मैं वो नहीं करता, तो मैं भी दोषी हूँ। आज जब सब छीनता हुआ दिख रहा है, हालांकि ये तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि जो है मेरे से मेरी भाषा छीन ली जाए, मेरा जो लिंग्विस्टिक फ्रीडम है वो मुझसे छीनी जाए, लेकिन आज जो है ये रिपेंट करने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं फ्रांस के मन में भी चल रहा है। काश मैंने पढ़ लिया होता, खेल कूद नहीं किया होता उस वक्त। मिस्टर हैमल सोच रहे हैं मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें ना अपने फ़िशिंग के दौरान जो है तुम्हें छुट्टी दे देता था, तुम लोगों को मैं अपने प्लांट्स को जो है, पौधों को जो है पानी डालने के लिए तुम्हें भेज देता था, लेकिन उस वक्त जो है मैं और सीरियस होता। तो अपने आप से अपने आइडेंटिटी छीनने का डर, मेरे से मेरी भाषा छीन ली जाएगी, ये जो छीनने का डर है कहीं ना कहीं सबके मन में, और ये 40 साल से अपने सर्विस देता हुआ इस टीचर के मन में भी है कि काश एक एक वक्त का जो है, एक एक लम्हे का मोल मैं उस वक्त समझ गया होता तो आज ये मंजर नहीं होती। फ्रांस जैसे कई लोग शायद और सीख जाते, क्योंकि किसी से भाषा छीन लेना, उसकी एक काइंड ऑफ उसको जो है बंदी कर लेने के ही, मतलब उसको जो है कहीं ना कहीं उसके हर फ्रीडम को छीन लेने के माफिक ही है, उसकी एग्जिस्टेंस छीन लेने के माफिक ही है। तो इट्स नॉट डिफरेंट, वो कहीं ना कहीं उससे उसकी एग्जिस्टेंस ही छीन जाती है। तो इसीलिए ये दर्द इतने भयानक तरीके से उभर रही है मिस्टर हैमिल के मन में, और साइड बाय साइड कहीं ना कहीं सबके मन में। तभी तो वो सब जो गांव वाले हैं वो शांत बैठे हैं, और फ्रांस जैसे लड़के के मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़, ये इम्पैक्ट आई है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful language in the world. तो अब जितना कोसना था खुद को, जितना कोसना था परिस्थितियों को, जितना कोसना था हमारे circumstances को, हमारे पूरे Alsace के, पूरे district के लोगों को, district के people को जितना कोसना था, जितनी खामियाँ निकालने थे मिस्टर हैमिल खुद के भी निकाल लिए। अब क्या हुआ, सब कुछ बताने के बाद एक के बाद एक अभी जो है मिस्टर हैमिल अपनी भाषा की इम्पोर्टेंस को जो है समझाने लग गए। कैसे, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से हट के दूसरे चीज पे गए, और मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। क्यों फ्रेंच लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी भाषा क्यों इम्पोर्टेंट है, एक के बाद एक समझाने लग गए दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज। ये सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, ये सबसे खूबसूरत भाषा है इन दिस वर्ल्ड, विश्व में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। हालांकि ये हम नहीं बोल सकते कि फ्रेंच ही सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, लेकिन किसी भी इंसान के लिए उसकी अपनी भाषा सबसे खूबसूरत होती है, और जब वो छीनने लग जाए ना, तब कहीं ना कहीं फ्रांस की तरह बहुत लोग एहसास करते हैं कि ये सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन भाषाओं में एक है, सबसे खूबसूरत है ये। तो मिस्टर हैमिल यही आज इनको समझा रहे थे, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरा, और द मोस्ट लॉजिकल, सबसे जो है उम्दा, एकदम हर चीज से रीजन से भरपूर, गलत कुछ नहीं है, खराब कुछ नहीं है, एकदम खड़ा सोना है, ऐसा है फ्रेंच लैंग्वेज। That we must guard it among us. अभी जो है protect करो अपनी language को, इसको follow करने के लिए इस वार्ता को, इस message को जो है कैसे आगे बढ़ाया है, ये हम देखेंगे Mr. Hamel के through. That we must guard, ये सबसे खूबसूरत सबसे हसीन language में से एक है, और हमारी भाषा, हमारी French जो है सबसे खूबसूरत, सबसे logical, सबसे बेहतरीन उम्दा language है। अब उसको जो है क्या करना है, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमारे अंदर इसको, इसकी संरक्षण
इसको जो है किसी को चुराने, किसी को छुड़ाने, किसी को ख़त्म करने नहीं देना है। अपने अंदर इसको बसा के रखना है, पहरा दे के रखना है, कहीं चुराना ले कोई, कहीं छुड़ाना ले कोई। तो वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी नहीं भूलना है अपने लैंग्वेज को, अपने अंदर गार्ड करके रखना है, अपने अंदर जो है उसको बचा कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी इंसान को जो है बंदी बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक लाइन है, कहा गया है बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, तो जब किसी बंदे को, किसी इंसान को एनस्लेव्ड किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितनी मतलब जितने कस के वो अपने लैंग्वेज को, जितने सख्ती से अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को वो पकड़ के रखता है, वो रख देता है अपने अंदर, दैट इज लाइक अपने बंदी दशा से निकलने का जो है चाबी है वो उसके हाथ में पकड़ा हुआ, वही उसकी एकमात्र चाबी है उसके उस बंदी दशा से निकलने का। तो इसी के लिए जो है अपनी भाषा को अपने अंदर गार्ड करके रखना है, उसको बचा कर रखना है, किसी को किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में उसको छीनने नहीं देना है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ऐसा मिस्टर हैमिल का कहना है। और बहुत बढ़िया मैसेज, बहुत ही बढ़िया मैसेज। ऐसा नहीं है कि एक फ्रेंच टीचर ने जो है अपने स्टूडेंट्स को या अपने लोगों को जो है ये मैसेज दिया है, ये मैसेज सबके लिए है कि हर कोई अपनी भाषा का सम्मान करे और अपनी भाषा को खुद के अंदर बचा के रखे, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, अपनी भाषा हमेशा सुपीरियर रही, सुपीरियर है और सुपीरियर रहेगी। लेकिन हाँ, साइड बाय साइड शोविनिज्म का शिकार किसी को ना होने दे, ना खुद हो, क्योंकि अपनी भाषा अगर सुपीरियर है तो किसी का इन्फीरियर नहीं है। लेकिन किसी को अपनी भाषा को इम्पोस्ट नहीं, मतलब किसी के ऊपर इम्पोस्ट नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो बहुत बढ़िया मैसेज यहाँ पे जो है मिस्टर हैमिल के थ्रू ऑथर ने यहाँ पे हमें दिया है। देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। तो अभी क्या किया, ग्रामर बुक को खोल के जो है पढ़ाना शुरू किया, लेसन देना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड। अब आया फ्रांस की बारी। अभी तो मिस्टर हैमिल तक उनके अंदर का दर्द, उन्होंने जो मैसेज देना चाहा, वो दर्द का जो है सैलाब वो हम देख चुके हैं। ये एक टीचर के मन के अंदर जो है जो दर्द उठता है, सिर्फ वो नहीं है, एक ऐसे, क्योंकि टीचर जो होते हैं कहीं ना कहीं समाज के अंदर भाषा को लेकर और शिक्षा को लेकर लड़ाई करने वाले सबसे बड़े वाले सैनिक होते हैं वो। तो एक सैनिक या एक सेनापति को अपने हाथ से, अपने हाथ के एज से, अपने बॉर्डर्स, हाथ के बॉर्डर से आगे से छूटते हुए, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को छूटते हुए देखना, जिसको लेकर इतने सालों तक उन्होंने सर्विस दिया, जिसकी जो है रक्षा करते आए हुए हैं इतने सालों तक, उसको छीन जाना, या उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं सिचुएशन लूट रही है, परिस्थिति लूट रही है, ऐसे सिचुएशन के अंदर जो दर्द उठ सकता है, और एक टीचर को जो बोलना चाहिए, जो मैसेज देना चाहिए, उन्होंने वो दिया। अभी तक हम सुन चुके हैं मिस्टर हैमिल के ज़रिए। अभी है फ्रांस के अब तक के जो मन के अंदर चल रहा था, जो इम्पैक्ट उसके मन में लास्ट लेसन को लेकर था कि क्या कोई मुझ पे कैसे थोप सकता है, सडनली एक दिन डिक्लेयर कर सकता है कि दिस इज़ माय लास्ट लेसन, जबकि मैंने अपनी भाषा को सही से जाना ही नहीं, पहली बार अपनी भाषा को लेकर जो एक बच्चे के मन में प्रभाव आता है, जो प्यार उमड़ता है, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, अभी देखेंगे फिर से फ्रेंड्स के मन में आज मिस्टर हैमिल को लेकर क्या भावनाएं आती है। तो आई वॉज अमेज्ड, कौन, फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स जो है बोल रहा है, मैं ना सच में आज एकदम अद्भुत आश्चर्यचकित हो गया, और एकदम मतलब मैं मतलब मनमोहित हो गया कि टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आज पहली बार लगा मैं तो बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ अपने लैंग्वेज को। जब मिस्टर हैमिल ग्रामर का लेसन देना शुरू किए, पहली बार जब छीन रही है अपनी हाथों से अपनी चीज,
जो मुझे पता था जन्म से मेरा हक है, मेरा ही है, सडनली जो है मेरे को पता चला आज ही इसी वक्त ही कुछ ही देर में मेरे से छीनने वाली है ये चीज, तब लगा ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आज फ्रांस के मन में भी वही चीज आई है, फ्रांस बोल रहा है आई वॉज अमेज्ड, मैं सच में आश्चर्यचकित हो गया, मैं बहुत हैरान हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ इसको, किसको, अपने लैंग्वेज को। पहली बार भाषा के लिए बहुत प्यार और उसको बहुत इजी लगने लग गया, क्योंकि आज वो उसको लग रहा मैं तो समझ सकता था, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ इसको। All he said seemed so easy, so easy. ये यहाँ पे so easy को बार बार बोला गया है, क्योंकि ये so easy ना अफसोस वाला so easy है। All he said, जो भी मिस्टर हैमिल ने कहा, जो कि अब तक बड़ा बोरिंग था, मिस्टर हैमिल के क्लास, ये पढ़ाई लिखाई, ये पार्टिसिपल्स, ये ग्रामर बड़ा बोरिंग था अब तक, नुइजेंस था, आफत थी, आज बड़ा इजी लगने लग गया। आज के ये सो इजी को दो बार फ्रांस के जरिए इस्तेमाल करना, मतलब एक इंसान के अंदर अपनी भाषा को ना सीख पाने का दर्द, अपनी भाषा छीन जाने का डर और ना सीखने का अनुताप, रिपेंटेंट, वो बहुत रिपेंट कर रहा है, ये सो इजी इसीलिए है। ऑल ही सेड, जो मिस्टर हैमिल ने कहा, सीम्ड, लगा सो इजी, इट्स सो इजी, दो बार इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो उसके मन से अफसोस का लहर है जो सो इजी करके आया। अब अफसोस है, जैसे दांतों तले उंगली दबा देने का, मैंने क्या कर दिया, अब तक मैंने क्यों नहीं सीखा, ये तो बहुत बहुत ही इजी था, बहुत आसान था, क्यों नहीं सीखा मैंने। तो यहाँ पे फ्रांस के मन में अनुताप का जो सैलाब चल रहा था वो प्रकाशित हुआ है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, अब मैं भी सोचता हूँ कि मैंने कभी सही से नहीं सुना, आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, सही तरीके से कभी सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। आज ये भी लग रहा है शायद मिस्टर हैमिल भी सही है कि इतने पेशेंस के साथ शायद उन्होंने भी कभी नहीं समझा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, अभी क्या हुआ, इतना जो है पेशेंस के साथ उन्होंने भी शायद नहीं समझाया, और मैं भी सोचता हूँ, मतलब मिस्टर हैमिल तो सोचते ही है जो वो पहले बता चुके हैं, काश कि मैं और केयरफुल रहता, तुम्हें फिशिंग के लिए जो है छुट्टी नहीं दे देता, तुम्हें बागीचे में पानी डालने के लिए नहीं भेजता, और केयरफुल हो जाता। तो मिस्टर हैमिल जैसे सोचते हैं कि और केयरफुल उनको होना चाहिए था, काश कि मैं भी केयरफुली लिसन कर लेता, मैं भी सुन लेता, तो मैं भी मिस्टर हैमिल की तरह सोचता हूँ कि शायद मैंने कभी इतने जो है केयरफुली, इतने सही से नहीं सुना अपने लेसन को, और मिस्टर हैमिल शायद आज से पहले कभी इतने पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाए, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सही है। आज इस वक्त एक टीचर और एक, मतलब एक भाषा को प्रदान करने वाला, शिक्षा का प्रदान करने वाला और एक सीख लेने वाला, दोनों का इमोशन कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लाइन में एकात्म हो चुकी है, दोनों का अफसोस कहीं ना कहीं एक लाइन पे, एक जगह पे आ चुकी है कि मैंने सही से नहीं सुना, और वो भी सही है कि शायद इतने पेशेंस के साथ कभी उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा मंजर, ऐसा एक जो है इमोशन कहीं ना कहीं एकात्म हो चुकी है यहाँ पे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एंड वन स्ट्रोक। तो आज लग रहा है कि ये वृद्ध बेचारा इंसान, ये बेचारा शिक्षक, ये बेचारा सेनापति आज अपने अंदर ये फ्रेंच को लेकर जितना भी कुछ है, शायद एक स्ट्रोक में, एक ही बारी में सारा कुछ दे देना चाहते हैं, जितना उनसे हो सके। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, जितना वो जानते हैं, जैसे सब जो है उजाड़ के देना चाहते हैं हमें, बिफोर गोइंग अवे, चले जाने से पहले, हमेशा के लिए जा रहे हैं वो, उससे पहले अपने अंदर जितने भी उनके अंदर भरा हुआ है इसके विषय में
जो सीख वो हमें देना चाहते हैं, जितना उनसे जितना उनके पास ज्ञान है वो सारा जैसे हमें उजाड़ के देना चाहते हैं आज जाने से पहले. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में जैसे कि सारा कुछ जो है हमारे दिमाग में वो भरना चाहते हैं कि इसको खोने मत देना, इसको संभाल के रखना एक चाबी के जैसे. जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी कहा दैट्स द की ऑफ योर दैट प्रिजन, कि अगर आपसे आपकी भाषा छीनी जाए वो तो अनस्लेव्ड करना ही है, वो आपको जो है आप उनके कृतदास तो बन ही गए, लेकिन आप बंदी बन ही गए, लेकिन अगर आप अपनी भाषा को गार्ड करके रखते हो, अपने अंदर संभाल के रखते हो, तो आपकी की, आपके जो है फ्रीडम, आपकी लिबर्टी की ना कहीं आप ही के हाथ में है. तो अपनी अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को अपने अंदर गार्ड करके रखो, संभाल के रखो, ऐसा ऑलरेडी मिस्टर हैमिल ने कहा है. और यहाँ पे जो है बोलना चाह रहा है फ्रांस कि एक ही स्ट्रोक में, एक ही पल में, एक ही वक्त में जैसे वो उनके अंदर रखा हुआ सारा कुछ, सारा ज्ञान जो है आज उजाड़ के देना चाहते हैं हमारे माइंड में, और जैसे एक ही स्ट्रोक में हमारे माइंड में वो भर देना चाहते हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमने क्या किया, राइटिंग के ऊपर जो है हमने एक लेसन लिया. दैट द डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर आस, उस दिन हमारे लिए मिस्टर हैमिल ने न्यू कॉपी, नए कॉपीज का प्रबंध किया था. रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, तो बड़े खूबसूरती से राउंड राउंड करके लिखा हुआ है उसके अंदर अपने देश का और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो फ्रांस अल्सेस करके लिखा हुआ है. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. ऐसा लग रहा था जैसे नए फ्लैग्स है और वो हमारे पूरे क्लासरूम के अंदर जैसे लहराया गया है, डेस्क के ऊपर एक जो रॉड है उसके ऊपर जैसे वो न्यू फ्लैग की तरह लहरा रहा है. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज. तो बोल रहा फ्रांस का ये कहना है कि ये मंजर देखने लायक था, सच में हैरान रह जाओगे देखकर ये मंजर. You ought to have seen, आपको देखना चाहिए. How everyone set to work, कैसे सब अपने काम में बिजी हो गए. And how quiet it was, और सब इतने शांत चुपचाप अपने काम में एकदम मन संयोग करके बैठे हुए हैं. The only sound was the scratching of the pens over the paper. जो एक ही आवाज आ रही थी वो थी पेपर के ऊपर पेन का स्क्रैच करना, वही आवाज आ रही थी, क्योंकि सबने ही यही सोचा आज लास्ट टाइम है अपने भाषा को सीखने का, एक लास्ट मौका है. तो सब ने अपना जो है जितना जितना उनका काम था मनोनिवेश कर दिया पेपर और पेन को लेकर. पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लासरूम में और सिर्फ एक आवाज है जो पेन का स्क्रैच करने की आवाज है कॉपीज के ऊपर. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार क्या हुआ, कुछ बीटल्स, कुछ कीड़े होते हैं सख्त जो है विंग्स वाले कीड़े होते हैं जो ऐसे ही फील्ड्स में घूमते रहते हैं फार्म्स में, तो वो बीटल्स का जो एक कुछ बीटल्स वो है क्लासरूम के अंदर आ गए. यूजुअली क्या होता है, कोई कीड़े कोई बटरफ्लाई कुछ आ गया तो बच्चे जो है उसी के अंदर जो है सबकी नज़र उस पर जाती है, स्पेशली बच्चे. लेकिन बहुत हैरानी की बात है, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने भी उसको उनको जो है कोई अटेंशन, कोई उनकी तरफ देखा तक नहीं, कोई जो है उनको उनके अंदर मनोनिवेश नहीं किया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, जो सबसे छोटे होते हैं वो लोग भी नहीं. हु वर्क्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. बोल रहे हैं ट्रेसिंग का होता है, बच्चों को ये कहा जाता है अभी जो है इसमें से आप एप्पल चूज करो, कहाँ पे है एप्पल, कहाँ पे है जो है बॉल, ऐसे जो है वर्ड के जरिए उसको चूज करने का होता है, ढूंढो, ढूंढ के जो है टिक लगाओ, उसको जो है मैच करो. तो ये जो ट्रेसिंग का जो एक लेसन है वो उनको किया दिया गया है. और जो है जो लिटलेस्ट वन है, जो छोटे बच्चे हैं, वो इतने ट्रेसिंग फिश हुक को ट्रेस करने के अंदर इतना लगे हैं जैसे कि वो भी फ्रेंच हो. आज फ्रेंच जब उनकी भाषा जब उनसे छीन ली जा रही है, उनसे कोसों दूर भागने की तैयारी में है, कोसों दूर जा रही है, शायद आज वो लोग उसको
ऐसे ही ट्रेस कर रहे हैं, ऐसे ही ढूंढने लग गए हैं, उनको हर जगह पे आज फ्रेंच दिख रही है। तो ये फ्रेंड्स का कहना है कि ऐसे बच्चे भी फ्रेंच फिश हुक्स को ऐसे ट्रेस करने लगे हैं, उसको कॉपी में ऐसे ट्रेस करने लग गए हैं कि जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। आज फ्रेंच को ढूंढना पड़ रहा है, उसको पकड़ के जकड़ के रखने का मन कर रहा है, जैसे बड़े कर रहे हैं बच्चे भी उनसे पीछे मतलब पिछड़े हुए नहीं है, वो भी वही चीज़ कर रहे हैं जैसे कि वही फ्रेंच हो। उसको जो है जितना हो सके उसको जो है खुद के अंदर समेटना है, उसको जो है ट्रेस करके अपने अंदर रखना है, गार्ड करना है, ऐसी सोच है। ऑन द रूफ द पिजियंस कूड वेरी लो, तो क्या बोल रहे हैं, छत के ऊपर पिजियंस जो कबूतर है वो अपने गुटुरगू कर रहे हैं बड़े लो साउंड में, धीरे धीरे उनकी आवाज आ रही है, जो है उनकी आवाज गुटुरगू कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस। अब ये जो लाइन है कहीं ना कहीं ये लाइन दर्शाती है एक ड्रेडफुल जो भय, एक जो भयानक भय का जिक्र हमने पहले किया था, मिस्टर हैमिल कैसे उसको डांटेंगे, स्कॉल्ट करेंगे, उसका डर, उससे भी भयानक डर आज फ्रांस जैसे इंसान के, फ्रांस जैसे बच्चे के मन में आ गया है कि ये जो कबूतर ना ऐसे छत पे गुटरगू कर रहे हैं, जैसे ये लोग कभी भी आकर हमारे ऊपर कुछ भी थोप सकते हैं, कुछ भी इम्पोज कर सकते हैं, कैसे हम बात करें, हमारी लैंग्वेज क्या रहेगी, किस लैंग्वेज में हम बात करेंगे, हमसे कभी भी अपना लैंग्वेज छीन सकते हैं, कैसे बोलना है वो हमें सिखाएंगे, कैसे चलना है वो हमें सिखाएंगे, बताएंगे, वो लोग कमांड करेंगे। क्या इस पंछियों के घोंसले मतलब पंछियों को भी यही बताया जाएगा, क्या इनके ऊपर भी प्रभाव रहेगा? तो एक जो डर है कि और क्या क्या हो सकता है, क्या छीन जाएगा हमसे, क्या छीन लिया जाएगा हमसे, ऐसा डर तो उसके फ्रेंच के मन में आया, क्या कबूतरों को भी जो है बोला जाएगा तुम ना फ्रेंच में गुटरगू मत करना, तुम्हें जर्मन में गुटरगू करना है। एक डर, एक भयानक डर फ्रेंच के मन में भी हावी हुआ है। तो फ्रेंच के अंदर जो चेंजेस है वो ऐसे लाइन्स के जरिए हमें पता लगता है। व्हेनेवर I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो जब मैंने अपने जो कॉपी से लिख रहा था वहां से जब नजर उठाया तो मैंने देखा मिस्टर हैमिल को, वो एकदम मोशनलेस, एकदम कोई हिलना डुलना नहीं, एकदम चुपचाप बैठे हैं और क्लासरूम के अंदर कभी एक चीज को तो कभी दूसरे चीज के ऊपर अपनी नजर को जो है घुमा रहे हैं, जैसे कि एज इफ, जैसे कि लग रहा हो वो अपने अंदर ये चित्र को, क्लासरूम के जो सीन है इस चित्र को कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर जो है उसको फिक्स कर रहे हैं, उसको बिठा रहे हैं, क्योंकि 40 साल उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं इतनी लगाव, इतना लगाव उसके अंदर है इस क्लासरूम के साथ, इस स्कूल के साथ, वो अपने अंदर इस चित्र को, इस पिक्चर को फिक्स करना चाहते हैं। तो ऐसा फ्रेंच को लगा। फैंसी फॉर 40 इयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। बड़े ही मतलब आश्चर्य की बात है कि 40 साल हो गए वो इसी जगह पे, इसी स्कूल में, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, क्योंकि 40 साल से वो एक ही जगह पे सर्विस देते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से वहीं पे सजा लिए थे, उन्होंने गार्डन बनाया आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर जो है उनका गार्डन है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनका क्लास उनके सामने रहता था, एकदम खिड़की से बाहर झांकते हुए उनका उनका गार्डन दिखता था, तो सारे प्यारे उनके चीज ना उन्होंने अपने सामने ऐसे ही सजा लिया है, सजा लिया था, जस्ट लाइक दैट, ठीक ऐसे ही उन्होंने अपने सारी चीजों को सजाया। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ, तो इतना जो है घिसते रह गए तो बेंचेस स्मूथ हो गए। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। तो जैसे कि उन्होंने अपने जो जो प्लांट्स उन्होंने लगाए थे उसके बारे में भी कहा जा रहा है
वॉलनट ट्रीज लगाए थे जो है गार्डन में, वो लंबी हो गई, मतलब 40 साल से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उन्होंने जो छोटे से प्लांट को लगाया वो बड़ी हो गई है, अब वॉलनट ट्री वो बहुत लंबी हो गई है। और जो हॉबवाइन को लगाया था वो ऐसे करके जो है ट्विन करके जो है खिड़की के बाहर है, अभी उनमें से जो है हवा का घुमाव चल रहा है उसी के इर्द गिर्द, उसी को घूमते हुए, तो वो हॉबवाइन भी बड़ी हो गई। तो ये है चेंजेस। तो ये चेंजेस सिर्फ उनके गार्डन में नहीं, ये चेंजेस 40 साल के उनके करियर में जो यहाँ वो बिताए हैं, वो ऐसे कई चेंजेस देखे, ऐसे कई परिवर्तन आए। तो इसी चीज़ को, इसी चित्र को वो अपने मन में फिक्स कर रहे हैं, ऐसा फ्रांस का कहना है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो ये कितनी दर्दनाक होगी उनके लिए, कितना दर्दनाक हो जाएगा उनके लिए कि ये सबको उनको छोड़कर जाना होगा। पुअर मैन, बेचारा इंसान। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो अपने बहन का जो मूवमेंट, अपनी बहन की मूवमेंट जो है वो सुन पा रहे हैं कि वो ना ऊपर के रूम में पैक कर रही है सामान, क्योंकि उनको कल जाने का है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने ट्रंक्स को जो है पैक कर रहे हैं, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, इस देश को उनको छोड़ के जाना होगा, इसलिए पैकिंग चल रही है। वो सब पैरों के आवाज़ और ट्रंक्स को पैक करने की आवाज़ वो सुन पा रहे, कितनी दर्दनाक होगी, कितना दर्दनाक हो सकता है इस बेचारे इंसान के लिए, जो 40 साल तक जो है सर्विस देते गए, एक चीज़ को इतने छोटे से बड़े करते गए, बागीचा, पूरे स्कूल को, अपने सर्विस लाइफ को इतना प्यार से सींचता हुआ एक बागीचे की तरह, कैसा लग रहा होगा उनको। ऐसा फ्रांस पहली बार मिस्टर हैमिल के लिए सोच रहा है, परिवर्तन आया है फ्रांस की सोच में। एक पल के लिए एक छीनने का डर फ्रांस को भी कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर्ड कर दिया। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन इतने दुखी होने के बावजूद भी मिस्टर हैमिल के अंदर वो करेज बचा हुआ था, क्योंकि वो टूट रहे हैं अंदर से, वो दुखी है, ये तो अपने लोगों के सामने वो दिखा नहीं सकते हैं। तो बोल रहा है फ्रांस, उनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत बची हुई थी इतने दुखद एक परिस्थिति के अंदर कि वो हर लेसन को सुन सके एकदम आखिर तक, क्योंकि उनका मोटो यही था कि इस एक दिन के अंदर, एक लास्ट लेसन के अंदर, कहीं ना कहीं जितना हो सके अपने लोगों के अंदर इस भाषा को इनपुट कर पाए, वो अंदर जो है इनके बसा पाए इस भाषा को, जब तक जहाँ तक इनका बस चले। आफ्टर द राइटिंग, लेखा जो अपनी जो राइटिंग खत्म होने के बाद, लिखना खत्म होने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद जो है इतिहास का पन्ना खोला गया, इतिहास का लेसन पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बी ए बा बी ई बी बी आई बी बी ओ बी यू, ये सब जो है वो चैंट करने लग गए, जोर जोर से पढ़ने लग गए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, उस रूम के पीछे वहाँ पर, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। तो उस रूम के पीछे ओल्ड हॉजर जो थे वो अपने वो प्राइमर को, अपने उस जो दस्तावेज को, उसको ऊपर करके जो है हाथ में कस के पकड़ कर उन्हीं के साथ जोर जोर से उसको जो है क्या कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसको रट रहे हैं, अपने स्पेक्टेकल्स को सही से सेट करके, और जो है दोनों हाथों में जो है उस कागज़ को पकड़ते हुए, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उसी ले उन लेटर्स को जो है उनके साथ उच्चारित कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं, ऐसा फ्रांस का कहना है कि वो उस वक्त देखा जा सकता था कि ओल्ड हॉजर भी उस वक्त रो रहे थे। और क्यों ऐसे स्पेल कर रहे थे कि लास्ट टाइम अपनी भाषा को, अपने जो भाषा को इतना जो है अब तक इतना मोल नहीं दिया गया, कभी ऐसा मतलब लगता भी नहीं था कि छिन जाएगा अपने से, आज जो है बहुत याद आ रही है उसकी। और उनके बच्चों के साथ जैसे वो बी ए बै बी यू बू ये सब कर रहे थे, तो ये सब उनके साथ ज़ोर ज़ोर से स्पेल कर रहे थे ओल्ड हॉजर, क्योंकि एक लास्ट टाइम
रिपेंट करते करते कि काश और पढ़ लिए होते और इस बार लास्टली इनको जो है रट लेते हैं, याद कर लेते हैं अपनी भाषा को सम्मान जताने के लिए। और इसी के साथ साथ वो इमोशन उनके आंखों से छलक रहा था और वो रो रहे थे। His voice trembled with emotion. इस इमोशन के साथ, इस भावनाओं के साथ उनकी आवाज़ जो है ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी आवाज़। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. जाहिर सी बात है, एक बहुत बूढ़ा इंसान, ओल्ड मैन, जब जो है रो रहे हो और उनकी आवाज़ जो है ज़ोर ज़ोर से स्पेल भी कर रहे हो और उसके अंदर रो रहे हो, तो जो है उसकी आवाज़ के अंदर एक फ़नी एक आवाज़ क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं वो एक फ़नी सिचुएशन क्रिएट कर रही थी जिसमें हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अपने से जो जो मौका था, जो उस वक्त का परिस्थिति जो थी, उसके अंदर रोना ज़्यादा आ रहा था। तो रोने का और जो हंसी का एक मिक्सअप, मिंगल्ड अप जो सिचुएशन, वो उसने, फ्रेंड्स ने फेस किया उस वक्त। क्या बोल रहा था, वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, सबको हंसी तो आ रही थी लेकिन साथ साथ रोना भी आ रहा था। जो हंसी का मंजर था उसको वो लोग इन्जॉय नहीं कर पाए जैसे यूजुअली कर सकते थे, वो नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त जो है अपनी भाषा को छीन जाने का जो डर था, जो दर्द था, वही ज़्यादा उमड़ कर आ रही थी सामने। इसीलिए एक सिचुएशन था लाफ एंड क्राई का। आ हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। ऐसे ही हमने याद किया, क्या किया, द लास्ट लेसन। पहले ही कहा गया था वो लास्ट लेसन क्यों है, तो लास्ट लेसन इसीलिए है क्योंकि उनके ऊपर कोई दूसरी लैंग्वेज इम्पोज किया गया और सडनली एक ऑर्डर के जरिए, एक कमांड के जरिए बताया गया, आज आपका आखिरी दिन है अपनी भाषा को पढ़ने का और सीखने का। अगले टाइम से, अगले ही दिन से आपको दूसरी एक भाषा सीखनी पड़ेगी और उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक ऐसा मंजर, जैसे कि खुद से जो है अपनी ही एग्जिस्टेंस छीनने वाली सिचुएशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा है भाषा, लैंग्वेज इज द एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी है, मतलब इट्स द पावर, इट्स द एग्जिस्टेंस यू कैन से। ये अपने अस्तित्व को जो है जाहिर ही हम करते हैं अपनी भाषा के जरिए, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को, वो अपना प्राइड होता है, वो सम्मान होता है, वो गर्व होता है। तो भाषा तो सुपीरियर है हर किसी के लिए, तो वही जब छीन जाए और जब कहा जाए यही आज ही आपका आखिरी दिन है इस लेसन का, तब वो द लास्ट लेसन बन जाता है। यहाँ पे भी द लास्ट लेसन ऐसे ही बना। All at once the church clock struck 12. अब क्या हुआ, suddenly एक ही बार में suddenly क्या हुआ, जो clock है उसमें 12 का घंटी बज गया, 12 बज गए। Then the angelus at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. तो क्या हुआ, जैसे ही घड़ी के अंदर 12 बज गए और जो है एंजेलस, जो कैथलिक्स के जो 3 times के प्रेयर का जो पार्ट होता है, जो दोपहर का प्रेयर उनका होता है, वो उसी को एंजेलस कहा गया है, वो शुरू हो गया एज यूजुअल उसका साउंड। एंड साइड बाय साइड एट द सेम मोमेंट उसी वक्त क्या हुआ, द ट्रम्पेट्स, वो जो बड़े बड़े बीगल्स, बड़े बड़े ट्रम्पेट्स जो है बजते हैं, क्या किस लिए, क्योंकि प्रशियंस जो है रिटर्निंग फ्रॉम डिल, वो जो सोल्जर्स अपने जो मार्च कंप्लीट करके, अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट करके जो है वापस आ रहे थे, उसका जो भेड़ी बजना शुरू हो जाता है, वो भी बजना शुरू हो गया एक ही वक्त पे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और हमारे खिड़की के नीचे ही वो साउंड सुनाई दे रहा था। मिस्टर हैमिल स्टूड अप। मिस्टर हैमिल उसूल के, नियमों के बड़े पक्के थे, वक्त के बड़े पाबंद थे, तो जैसे ही आवाज आई वो उठ खड़े हुए। वेरी पेल, आज बहुत ही, मतलब जैसे एकदम सारे रंग जो है उतर गए, उनके शक्ल एकदम बेरंगा बेढंगा अजीब दिख रहा था, ऐसे मतलब पूरा जैसे उसके अंदर कुछ बचा हुआ ना हो, ऐसे पेल एकदम विवर्ण, कोई रंग उसमें नहीं, कोई जो है जैसे अनुभूति ना हो, एकदम अजीब तरीके से उनका फेस अब हो गया है। और इन हिज चेयर, वो जो है वो एकदम
जैसे चेयर छोड़कर उठ खड़े हुए पूरा फेस एकदम ऐसे हो गया। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। आज जैसे वो बहुत लंबे लग रहे हैं, अभी अब कभी ऐसे इतना लंबा मैंने उनको नहीं देखा, क्योंकि आज एकदम सीना तान के सही से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर हैमिल। कहीं ना कहीं ऐसी फील फ्रांस के मन में है। क्या वार्ता, क्या मैसेज देते हैं? माय फ्रेंड्स सेड ही, अब वो बोलने लग गए, मेरे दोस्तों आई आई। अब जो है यहाँ पे स्पेस देकर इतना आई आई इसलिए है क्योंकि समथिंग चोक्ड हिम, कुछ आकर जैसे उनके गले में फंस चुका है। वो बोलने की जगह पे नहीं है, उनका गला, उनका वॉइस चोक्ड हो रहा है क्योंकि छूट जाने का दर्द, इमोशंस उनके गले के अंदर आके जॉटअप हो रहा है, इधर आके भर रहा है, तब जो है उनको बोलने के लायक नहीं छोड़ा उनके इमोशंस ने। दुख और दर्द उनके थ्रोट तक इतना भर गया है कि वो बोलने के तक जो है काबिल नहीं रहे, चोक्ड हो रहा है उनका गला। ही कुड नॉट गो ऑन, वो और बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की तरफ घूमे, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस उठाया, एंड बीयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट्स, अपनी सारी शक्तियों को, जैसे सारी इच्छाओं को, सारे जो है अनुभूतियों को जैसे इकट्ठा करके, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना जितने बड़े बड़े अक्षर में हो सके उन्होंने लिखा, जितना वो लिख सकते थे, वी वाले फ्रांस। तो क्या लिखा उन्होंने, वी वे लव फ्रांस, तो लॉन्ग लिव फ्रांस, अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट उन्होंने जताया। क्या लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में अपने सारे इमोशंस को इकट्ठा करके, सारे हिम्मत को इकट्ठा करके उन्होंने जितने बड़े बड़े अक्षर में हो सके लास्टली लिखा, वी वे लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जुग जुग जियो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। तो पहले क्या किया, लिखकर वॉल के अगेंस्ट अपना सर झुकाया, अपना रिस्पेक्ट जताया, एंड घूमकर क्या किया, विदाउट अ वर्ड, कुछ बोलने के वो काबिल नहीं, कुछ बोलने की जगह पे ही वो नहीं थे, परिस्थिति ऐसी नहीं थी, तो सिर्फ हाथ से ऐसा जेस्चर किया, ऐसे एक जेस्चर का क्रिएट किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। तो बोल नहीं पाए कुछ मुंह से, सिर्फ हाथ से जेस्चर किया कि स्कूल डिसमिस्ड हो गया, आप जा सकते हो। तो ये लास्ट लेसन तो ऐसे ही खत्म हुआ, कहानी खत्म हुई है ऐसे, लेकिन क्या लेसन खत्म हुआ ऐसे? ये लेसन कहीं हमारे लिए भी तो नहीं है? कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारे लिए भी है कि वक्त रहते हम हर चीज को सही से अपने अंदर समेट ले, क्योंकि कभी ऐसा ना हो किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति के शिकार होने पे कोई चीज़ हमारे ऊपर ऐसे ही इम्पोस्ट कर दिया जाए, किसी भी सिचुएशन के अंदर ऐसी चीज़ का सामना हो जाए। तो इससे पहले जैसे फ्रांस एंड बाकी लोगों के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने वक्त को ज़ाया किया, एक बार वक्त को हाथ से जाने दोगे तो यू विल नेवर रिगेन इट, कभी भी उसको जो है आप रिगेन नहीं कर सकते हो। जैसे टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, वक्त और जो होते हैं ना स्रोत, वो कभी भी आपके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। टाइम एंड टाइड्स कभी आपके लिए रुकते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से बहते जाते हैं। तो इससे पहले कोई वक्त आपके हाथ से छूट जाए, उससे पहले कर लो तैयारी, उससे पहले अपने अंदर जितना समेट पाओ समेट लो, क्योंकि एक बारी अगर छूट गया वो रिगेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे ये लोग रिगेन नहीं कर पाए, तो हिस्ट्री के पन्नों का एक हिस्सा तो एक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए ये मैसेज भी देकर जाता है और हमें सिखा कर जाता है, अपनी भाषा के लिए रिस्पेक्ट कभी नहीं खोना, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, और वक्त रहते उसकी कीमत को जानो। हर वो चीज़ जो आपको बहुत प्यारी लगे, हर वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बाद में महसूस हो, अभी महसूस नहीं हो रही और आप सोच रहे हो कल कर लूँगा, जैसे ये लोग सोचे थे, आलसेट सोच रहा था,
आंसर्स के लोग सोच रहे थे कि कल कर लेंगे, उससे बेटर है आज ही कर लो, कल को ये अफसोस द लास्ट लेसन ना बन जाए। हमारी जिंदगी में ऐसे कोई लास्ट लेसन या ऐसी कोई परिस्थिति ना आए, उससे बेटर है हम पहले से शुरू करें समेटना। जो जहाँ तक हम सीख पाए और हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो हम समेट ले, क्योंकि एक बार हम अगर अपने अंदर उसको गार्ड कर लिए तो वो हमारे की ऑफ प्रिजन नहीं, की ऑफ सक्सेस भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी बाहरी ऐसे जो चीज़ें हैं जो बाद में भी हो सकती है, उसको पहले करके, पहले की करने वाली चीज़ को अगर नज़रअंदाज हम कर देंगे तो फ्रेंड्स जैसे हमें भी रिपेंट करना पड़ सकता है। तो बेटर है हम पहले से समेट ले। और हाँ, साइड बाय साइड एक जो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का यहाँ पे जिक्र हुआ, वो हम हमेशा याद रखेंगे। आगे चल के आप में से किसी को भी जो है विदेश में पढ़ने का कि कोई किसी कोर्स करने का कुछ भी मौका लग सकता है, तो किसी को भी इस शॉविनिज्म का शिकार होने भी नहीं देना है, ना ही खुद होना है। आपका लैंग्वेज सुपीरियर है, लेकिन किसी का लैंग्वेज इंफीरियर नहीं हो सकता। हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दो, लेकिन अपने लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं है अपने लैंग्वेज के लिए कभी भी शर्मिंदगी महसूस करो, बड़े प्राउड होकर अपने लैंग्वेज को बोलो, लैंग्वेज को सीखो, क्योंकि अपने लैंग्वेज को छोड़ के किसी पढ़ाई लैंग्वेज को आप अपना नहीं सकते, क्योंकि पहले आप अपने खुद के लैंग्वेज को समझोगे, तभी उसके ज़रिए दूसरे लैंग्वेज को समझ या जान पाओगे। तो ये मैसेज हमें द लास्ट लेसन के ज़रिए मिला है, तो हम इसको हमेशा अपने माइंड में सजा के नहीं, समेट के रखेंगे, गार्ड करके रखेंगे, तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही एक मैसेज के साथ द लास्ट लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और हाँ, कैसी लगी कहानी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आज की कहानी। और अगर इसमें कोई भी ऐसा कुछ भी लगता है, कोई इन्फॉर्मेशन छूट चुकी है, या कुछ ऐसा और जो है इन्फो, या कोई और चीज़ बहुत इलैबोरेट वे में चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जो है फ़न के साथ लर्न करने का ये सिलसिला जारी रहे, और जो है जारी रखिए। इसके लिए सबसे पहले खुद सब्सक्राइब कीजिए, और जो है दूसरों को भी इसके बारे में बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे के जितने भी लेसन, जितने भी जो है चैप्टर हम एड ऑन करेंगे, उसकी सही जानकारी सही वक्त पर आपको मिल सके। तब तक के लिए हम जो है अलविदा चाहेंगे, अभी तक के लिए यही तक, और फन के साथ लर्न करने का सिलसिला जारी रखे हुए। तो ऑफ कोर्स डिडैक्टिक्स लर्नशाला, थैंक यू सो मच।